देखने से पहले वो क्या बातें हैं जो हमारे जहन में होनी जरूरी हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स और एवेंजर्स एंड गेम के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं और इस फिल्म को सदी की सबसे बड़ी फिल्म क्यों माना जा रहा है। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हुसानिया सैफी आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, बस कुछ ही दिन और हमारे सामने पर्दे पर होगी दास्ताने एवेंजर्स, उन महान लोगों की कहानी जिन्होंने हमें हंसाया, रुलाया, प्यार करना सिखाया और हर एक फिल्म के साथ हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा होते चले। और अब इस सीरीज की आखिरी फिल्म एवेंजर्स एंड गेम रिलीज होने वाली है। ये फिल्म महज एक फिल्म नहीं है, ये एक इमोशन है और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलिए आज हम आपको कुछ बातें बताने वाले हैं जो आपको इस फिल्म को देखने से पहले, देखते वक्त और देखने के बाद जहन में रखनी जरूरी है। तो शुरू करते हैं कि फिल्म देखने से पहले क्या बातें हमें याद होनी जरूरी है। सबसे पहली बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सीरीज की एक भी फिल्म नहीं देखी है। उनको गिरी हुई निगाहों से ना देखें, उनके ख्यालातों को समझे, मतलब सोच अलग होती है, पसंद अलग होती है लोगों की, लेकिन ऐसे में आपको उन लोगों को समझाना ज़रूरी है और उनको इस सभ्य समाज का हिस्सा बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास इस सीरीज़ की कोई और पुरानी फिल्में पड़ी हुई हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों को बैठाएं और ये फिल्में दिखाएं। नंबर टू, ये फेक फैन थ्योरीज ना बनाएं, क्योंकि इस तरह की फैन थ्योरी से लोगों का बीपी बढ़ता है और साथ में थानोस की पावर भी बढ़ती है। नंबर थ्री, अगर कोई टोनी स्टार्क का नाम लेने के बाद सांस या आर्या स्टार्क का नाम लेता है तो उसको देखकर शक्लें ना बनाएं, ना नाक मुंह ना चढ़ाएं, आराम से उसको बैठाएं और मार्वल कॉमिक यूनिवर्स और गेम ऑफ थ्रोन्स के बीच के डिफरेंसेस उसको समझाएं। नंबर थ्री, एंटमैन थानोस के अंदर किस तरह से घुसकर उसको खत्म करेगा, इस तरह की बातें खत्म कर दें। अब तो डायरेक्टर्स ने भी बता दिया है कि अगर एंटमैन ऐसा कुछ करता है तो इससे उसकी जान को खतरा है और इतने सारे एवेंजर्स खोने के बाद भाई मैं तो नहीं चाहती कि एंटमैन में मरे। नंबर फाइव, कैप्टन मार्वल से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, क्योंकि ज़्यादा उम्मीदें हमारे खुद के लिए हानिकारक होती हैं। हाँ, मालूम है कि कैप्टन मार्वल एक वुमेन एम्पावरमेंट की मशाल लेकर चल रही है, लेकिन इससे पहले जब विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज आए थे तो क्या हुआ था? हमने सोचा था ये तो सब कुछ खुद ही कर लेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ, मार्वल ने उनकी पावर्स के ऊपर भी लिमिटेशंस लगा दी और एंड में छोड़ो, उसके बारे में बात ही नहीं करते। कितना दुख हुआ था पता है ना? तो अगर ऐसी उम्मीदें हम कैप्टन मार्वल से रखेंगे और कुछ नहीं हुआ एंड में तो क्या होगा, हमारा खुद का दिल दुखेगा। इसलिए बेहतर है कि एक्सपेक्टेशंस ना लगाई जाए। लेकिन हाँ, फिर भी अगर कैप्टन मार्वल ऐसा कुछ कर देती हैं तो फिर तो बल्ले ही बल्ले हो जानी है। खैर, आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में घुसा लीजिए। लोकी की मौत का जिक्र नहीं करना है, ये बहुत ही अपशगुन है। और अगर आप लोकी के बारे में बात कर रहे हैं तो टिश्यू ले जाना ना भूले, बिल्कुल। और 2012 में जो कुछ हुआ उसके लिए लोकी को लेकर कुछ बुरा अपने दिमाग में मत डालिए, क्योंकि जो कुछ उस वक्त हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रैपर में रखे हुए उस दिमागी स्टोन की वजह से उनके दिमाग पर असर हो गया था और जो कुछ उन्होंने किया उसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से था। तो लोकी एक बहुत अच्छे इंसान है और उनके लिए सिर्फ अपने जहन में अच्छी बातें ही लाएं। लास्ट बात और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक टिकट बुक नहीं किया है सिर्फ ये सोच करके आपका दोस्त कर देगा, तो प्लीज़ जाइए और ख़ुद टिकट बुक करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका दोस्त आपके भरोसे हो और आप अपने दोस्त के भरोसे हो और इस भरोसे के चक्कर में आपका टिकट ही बुक ना हो और आप फिल्म ही ना देख पाएं। हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप फिल्म ना देख पाओ, इसलिए अभी जाइए और टिकट बुक कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्री बुकिंग्स हो चुकी हैं। आगे चलते हैं, वो कौन सी बातें हैं जो आपको फिल्म देखते वक्त याद रखनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात, स्टैनली जैसे ही स्क्रीन पर नजर आएंगे आप शांति से बैठकर उनको नमन देंगे, और जो इंसान ऐसा नहीं करता उसे तभी के तभी थिएटर से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा गुनाह है ये। नंबर टू, अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनको ये फिल्म समझ नहीं आती है तो खुदारा प्लीज़ उनको घर पर ही छोड़ कर जाएं, उनको थिएटर में ना लेकर जाएं, क्योंकि उनकी वजह से और लोगों की भी फिल्में खराब होती हैं। और अगर आपके बच्चे रोते हैं, आपके चुप कराने पर भी चुप नहीं होते हैं और ज़्यादा रोते जाते हैं, तो प्लीज़ फिर तो उनको बिल्कुल ही घर छोड़ कर जाइए और उनको थिएटर में ले जाने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाइए, क्योंकि वहाँ जाकर आपके बच्चे तो रोएंगे रोएंगे लेकिन साथ में जो लोग फिल्म देख रहे हैं ना वो भी रोने लग जाएंगे।
नंबर 4, अगर आपने पहले से टिकट बुक कर लिया है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आपकी फिल्म कितने बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो उस हिसाब से घर से निकलिए और पहले ही जाकर थिएटर में बैठ जाइए, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी जाकर बैठ चुके हैं ना, वो आपका सर देखने नहीं आए वहाँ पर, वो आप अपनी मूवी ख़राब नहीं करना चाहते आपकी वजह से। इसीलिए जाइए टाइम से, जाकर बैठ जाइए और मूवी देखिए, आप भी इंजॉय करेंगे और लोग भी इंजॉय करेंगे। और अगर फिल्म के बीच में कोई सवाल आपके दिमाग में आता है तो उसे वहीं रहने दीजिए, खुसर पुसर कर और लोगों का टाइम बर्बाद ना करें और लोगों की मूवी का एंजॉयमेंट खराब ना करें। अपना फ़ोन साइलेंट पर रखें और फ़ोन से तभी किसी को फ़ोन मिलाएं अगर स्नैप बजने पर आपके बराबर में जो इंसान बैठा है वो हवा में गायब हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ तभी आपको इजाज़त है फ़ोन यूज़ करने की, नहीं तो फ़ोन अपने घर पर ही छोड़कर जाए तो अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके बराबर में बैठा हुआ इंसान मूवी देखते वक्त आपके नाखून मार दे, आपका चश्मा तोड़ दे, आपके ऊपर पेप्सी गिरा दे या आपके पॉपकॉर्न खाने लगे, तो प्लीज़ उसको जज मत करिएगा, उसको लेकर अपने दिमाग में कुछ गलत मत सोचिएगा, क्योंकि बेशक उसका शरीर आपको दिख रहा है लेकिन उसका दिमाग मिड गॉड के कब्जे में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो चलिए नेक्स्ट बात पर चलते हैं। अगर आप फिल्म में कोई डायलॉग भूल जाते हैं तो प्लीज़ किसी और से वो डायलॉग ना पूछें, क्योंकि अगर आप वो डायलॉग पूछेंगे वो आपको वो डायलॉग बताएगा, इसके चक्कर में आपका एक और डायलॉग जाएगा, उस डायलॉग को जानने के चक्कर में और डायलॉग जाएगा, और इस तरह करते करते आपकी पूरी फिल्म तो चली ही जाएगी लेकिन और जो लोग देख रहे हैं उनकी फिल्म में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर कुछ मतलब मिस हो जाता है तो उसको वहीं छोड़ दें, फिल्म ख़त्म होने के बाद पूछ लें या फिर फिल्म दोबारा देख लें, दोबारा तो देखी जा सकती है ऑब्वियसली। और साथ ही अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो पूरी तरह से तैयार होकर जाएं, और यही है हमारा लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है, दवाइयां लेकर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि फिल्म की किसी सीन की वजह से आपका बीपी बढ़ जाए या बीपी लो हो जाए या आपको हार्ट अटैक आ जाए, तो आपके हार्ट अटैक की वजह से क्या किसी और की फिल्म आप ख़राब करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए पहले से तैयार होकर जाइए और अपनी सारी दवाइयां लेकर जाइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन साथ ही ये चीज़ भी अपने जहन में रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पर्दे पर हो रहा है, असल में ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी बहुत अलग है, तो उन सब चीज़ों का अपने दिमाग पर ज़्यादा असर ना होने दें। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है फिल्म देखते वक्त। अब फिल्म देखने के बाद क्या बातें आपको याद रखनी बेहद ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 1, फिल्म देख ली, बहुत अच्छी बात। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, बहुत अच्छी बात। फर्स्ट डे सेकंड शो देखा, और भी अच्छी बात। थर्ड शो देखा, वो भी अच्छी बात। देख ली ना, अब शांत रहो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अलग हो रहा होता है, लाइक उन्होंने बुकिंग की है बट वो बाद की टिकट मिली, या फिर उनका स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, घर में कोई बीमार है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, इंसान नहीं देखने जा पाता। तो उनके स्पेस को रिस्पेक्ट करें और स्पॉयलर्स ना दें। स्पॉयलर्स क्या क्या हो सकते हैं मैं बताती हूँ। फिल्म के किसी भी सीन को लेकर डिस्कस ना करें, कुछ भी बात ना ही करें। फिल्म में कोई मर गया है मत बताइए, मरकर जिंदा हो गया है मत बताइए, मरा हुआ है मत बताइए, कोई नया कैरेक्टर आ गया है मत बताइए, कोई नया सीन है मत बताइए। और अगर ट्रेलर से रिलेटेड सीन भी आप कुछ देख रहे हैं या ट्रेलर में जैसा दिखाया गया है वैसा कुछ मूवी में हो ही नहीं रहा है तो भी मत बताइए, ये सब कुछ स्पॉइलर में आता है और इंसान का मजा खराब हो जाता है, क्योंकि सब बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं ना, तो क्यों खराब करना है किसी की। साथ ही अगर आपके बराबर में कोई इंसान बैठा है जिसने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस सीन को सोचकर सांसें भी ना लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिल की धड़कन, आपकी सांसें उस इंसान को उस फिल्म के बारे में कुछ हिंट दे रहे, या आपका दोस्त जो आपके बराबर में बैठा है वो आपका माइंड रीड कर ले, क्या पता उसके पास ये सुपर पावर हो, वो आपको समझता हो इतने ज़्यादा डीपली कि आप क्या सोच रहे हैं वो उसको पता चल जाए, उसकी तो फिल्म खराब हो जाएगी ना, फिर क्या करेंगे आप, उसका तो मूड खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई प्लीज़ बता दे क्या हुआ फिल्म में, तब भी मत बताइए, क्योंकि हो सकता है कि आपका दोस्त तो तैयार हो लेकिन जिस वक्त आप उसको बता रहे हैं उस वक्त कोई और इंसान वहां से गुजर कर जा रहा है, उस इंसान ने सुन लिया तो उसकी तो फिल्म हो गई ना खराब, इसीलिए मत बताइए। और जो लोग मीम्स बनाते हैं, एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मीम्स मत बनाना। मतलब अभी गेम ऑफ थ्रोन सीजन 8 का फर्स्ट पार्ट आया है, फर्स्ट एपिसोड, आई वाज सो वरीड, क्योंकि मैं सुबह में नहीं देख पाई थी और रात में देखा था, पूरे दिन फेसबुक खोलने में इतना डर लग रहा था कि कुछ खोलूंगी मीम आ जाएगा, मेरे को स्पॉइलर मिल जाएगा। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस ने बहुत अच्छे से, बहुत काम लिया और उन्होंने कोई मीम नहीं शेयर किया, मतलब जब तक लोगों ने काफ़ी मेजर लोगों ने नहीं देख लिया था तब तक उन लोगों ने कोई मीम नहीं बताया। तो ऐसे ही आप सीखिए गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस से और कोई इस तरह का मीम बनाकर मत शेयर कीजिए कि जिससे लोगों को स्पॉइलर मिल जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट पॉइंट,
थानोस की कोई तारीफ नहीं करेगा, थानोस की कोई बड़ाई नहीं करेगा, और जो इंसान ऐसा करता है उसको एंटी एवेंजर्स घोषित किया जा सकता है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको जहन में रखनी है मूवी देखने से पहले, देखने के बाद और देखते वक्त। उम्मीद करते हैं कि फिल्म आपको पसंद आएगी और हम बाद में मिलकर इस फिल्म को बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, मज़े लेंगे और इस पूरी जर्नी को एक अच्छे तरह से बैठकर सोचेंगे कि क्या हुआ इस फिल्म में। देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को, इसी तरह हम और भी वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। दोस्तों, बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के फिल्मों का क्रेज भी हमारे बॉलीवुड में अब बहुत देखने को मिलता है, और एवेंजर्स की सीरीज के डाई हार्ड फैन तो हर घर में मिलते हैं। उन फैंस में से एक मैं भी हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को और इंडिया में 3 मई को रिलीज हो रही है सभी एवेंजर्स का तोड़, यानी कि एंड गेम। तो मार्वल्स में अब तक का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हाइप हो रहा है वो है कैरेक्टर थैनोस का। एमसीयू में अभी तक टोटल जितनी भी मूवीज आई हैं, वो लीड करती हैं थैनोस की तरफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या थैनोस को मार पाएंगे एवेंजर्स? थैनोस मरेगा या नहीं, और मरेगा तो कौन मारेगा? कि क्या ये होगा कि सारे एवेंजर्स मर जाएंगे थॉर को छोड़ के? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। एमसीयू के जो एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिला उस पर बात करते हैं। वैसे तो उस फिल्म में कुछ भी हो सकता है जो आने वाली है, लेकिन जानते हैं कि एवेंजर्स और थैनोस के बीच क्या हुआ था एनिमेटेड सीरीज में। तो जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थैनोस सभी को हराकर सारे इन्फिनिटी गॉन्गलेंट अपने हाथ में ले लेता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है। आगे एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है जितने भी एवेंजर्स है धरती पे रह जाते हैं, वो सारे थैनोस पर सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थैनोस फिर से वहाँ बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। धरती को बचाने के लिए सारे एवेंजर्स एक साथ थैनोस पे हमला करते हैं, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। फिर ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस को रोकना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टोन्स थैनोस के पास उनकी वजह से है, और फिर वो इनविजिबल होके थैनोस पे अटैक करती हैं और नाकामयाब रहती हैं। ब्लैक विडो और हल्क की कहानी तो सबको मालूम है। हल्क गुस्से में आ जाती हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं थैनोस पर उसका कोई असर नहीं होता, और फिर से वो धरती पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन के पास एक आइडिया आता है और कहते हैं कि अगर थैनोस अपने स्टोन्स को अलग अलग यूज करे तो वो उसे संभाल लेंगे और एंड में उसे मार देंगे। तो सभी एक के बाद एवेंजर्स उन पे अटैक करते हैं, जिनमें कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, फाल्कन, आयरन मैन, हल्क और थॉर शामिल होते हैं और उन पे लगातार अटैक करते हैं। थैनोस को काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है, जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एस गार्जियन से है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है, जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद तुरंत थैनोस टाइम स्टोन को रिवर्स कर देता है, जिससे सारे एवेंजर्स फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। जब सारे एवेंजर्स जिंदा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां आयरन मैन सबको बताता है कि थैनोस माइंड स्टोन का यूज कर रहा है। उसके बाद हल्क बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो, बल्कि थैनोस की तरफ टारगेट करो। थैनोस पे हल्क अटैक करता है और वो फिर से बच जाता है, लेकिन हल्क का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता है। वो एक बार फिर से थैनोस पर हमला करता है, मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे एवेंजर्स धावा बोल देते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है थैनोस को कि वो हार रहा है, तो स्पेस स्टोन का यूज करके टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सारे एवेंजर्स पे एक एक करके हमला करने लगता है, लेकिन हॉकाई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले फिल्म में देखी होगी कि जैसे ही पीछे से कोई हमला करता है ब्लैक विडो पे या हॉकाई पे, तो वो उस पे हमला नहीं कर पाते, क्योंकि हमला करने से पहले हॉकाई को और विडो को पता चल जाता है कि हाँ, पीछे कोई है और हमला करने वाला है। पैटर्न का पता चल जाता है और वो थैनोस के अटैक करने से पहले उस पे अटैक करके उसे गिरा देता है, और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा उस पर रख देता है और आयरन मैन गॉन्गलेट निकाल लेता है। थैनोस को पकड़कर शील्ड के हेडक्वार्टर लाया जाता है, जहां निक को लगता है अब सब ठीक हो गया, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, रेड स्कल अभी भी आजाद घूम रहा है।
निक फ्यूरी उसको रिकरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रेड स्कल ने सरेंडर कर लिया है। इस बात पर कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थैनोस पर अटैक कर देते हैं और बताते हैं कि थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा सब कुछ कर रहा है, वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख रहे हैं। उसके बाद फिर सारे मिलकर थैनोस पर हमला करने लगते हैं जिससे रियलिटी स्टोन टूट जाता है और सारे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से ये वॉर या जहां से ये फाइट शुरू हुई थी। आने के बाद थैनोस सब पे अपने अपने स्टोन्स यूज करता है और अटैक करता है जिसमें आयरन मैन मर जाता है। पर जैसे ही वो हेलमेट खोल के देखता है तो पता चलता है कि शूट के अंदर टोनी है ही नहीं। टोनी रिमोट के जरिए शूट को चला रहा था। फिर टोनी बोलता है कि उसको सारे स्टोन्स की रीडिंग मिल गई है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट अर्जनेल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट अर्जनेल एक रोबोट रहता है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्व कर सकता है। थैनोस को और गुस्सा आता है और टोनी के पूरे ऑफिस को स्पेस में ले आता है और उसी टाइम वहां अर्जनेल भी आ जाता है। वो थैनोस की तरफ बढ़ता है। थैनोस एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पे अटैक करता है लेकिन अर्जनेल उसके सारे पावर्स को एब्जॉर्व करते ही जाता है। आगे बढ़ के वो गोंगलिन निकाल लेता है। फिर क्या, सारे एवेंजर्स एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं और थैनोस हार जाता है, उसे गार्डियंस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एनिमेटेड सीरीज की कहानी थी जो हमने देखी थी, लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और ना ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो रोबोट है अर्जनाइल है वो कैप्टन मार्वल हो एंड गेम में। अब ये तो रियलिटी क्या है 26 को पता चलेगी या फिर 3 को। हमें आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे पहले कैसे मरेगा थैनोस एवेंजर्स एंड गेम में, कौन सी बातें हैं एवेंजर्स एंड गेम से जुड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राथ स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एवेंजर्स शुरू होता है ए से और अप्रैल भी ए से, तो शायद इसी वजह से फिल्म को अप्रैल में रिलीज किया जाएगा। एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर फैंस को बेहद पसंद आई थी जिसमें लास्ट में थैनोस ने 50% जीवित प्राणियों को खत्म कर दिया था। थैनोस को 6 में से 5 इंफिनिटी स्टोन्स मिल गए थे। अब जब एवेंजर्स एंड गेम अप्रैल में आने वाली है तो देखना ये है कि जीत किसकी होगी, थैनोस की या फिर एवेंजर्स की। मतलब दोस्तों, एक स्टोन और थैनोस के पास और पूरी दुनिया खत्म। जहां एवेंजर्स एंड गेम का ट्रेलर रिलीज किया गया तो चलिए जानते हैं उसी से रिलेटेड कुछ मजेदार बातें। सबसे पहले तो फिल्म का जो नाम रखा गया है वो है एवेंजर्स एंड गेम। उसका डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में जिक्र किया था। ट्रेलर में दिखाया गया है कि टोनी स्टार उर्फ आयरन मैन और नाबुला दोनों ही स्पेस में ऐसी जगह पर है जहां ना तो पानी बचा है, ना ही खाना और ना ही हवा। ट्रेलर में हॉकआई और क्लिंट बॉटन एक जैपनीज यकुजा के साथ नजर आ रहे हैं जो कि एक निंजा का लुक दर्शा रहा है। इन्फिनिटी वॉर में ये कैरेक्टर मिसिंग था और अब ये रोनिन नाम के किरदार में नजर आ रहे हैं जिसका आज तक जिक्र सिर्फ मार्वल की कॉमिक्स में ही हुआ है। ट्रेलर में कैप्टन अमेरिका अपने पुराने सूट में नजर आ रहे हैं जिससे ये झलकता है कि या तो वो पास्ट में है या फिर पास्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रेलर के अंत में एंटमैन को दिखाया गया है जो कि एक वैन के साथ खड़ा है और माना जा सकता है कि वो वैन एक टाइम मशीन है और उसे एक वैन की मदद से ही थैनोस को मारा जा सकता है क्योंकि एंटमैन तो धूल हो गया था इन्फिनिटी वॉर में। जिस तरह से अंत में अल्फाबेट एक जुड़ता हुआ नजर आता है तो वो इस चीज का प्रतीक हो सकता है कि इन्फिनिटी वॉर में जो एवेंजर्स धूल में तब्दील हो गए थे वो वापस लौट आएंगे और अंत में खात्मा थैनोस का ही होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देख लिया है तो आप मुझे बताइए कि फिल्म का ट्रेलर आपको कैसा लगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राथ स्टूडियोज। There was an idea to bring together a group of remarkable peoples to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. Dread it, run from it. Destiny still arrives all the same. Well, hello everyone, I'm glad you grow this side and you're watching Bolga Studios. Let's get started. Destiny aa chuki hai.
जिस चीज का हम सबको इंतजार था वो आज आ चुकी है, एवेंजर्स एंड गेम का ट्रेलर परसों रिलीज हो चुका था, पर आज ट्रेलर सब रिकॉर्ड से तोड़ चुका है। जी हाँ, आज एक मैगजीन भी लॉन्च हुई जिस मैगजीन कवर में एवेंजर्स और थानोस की फोटो थी। एवेंजर्स एंड गेम जिसे कुछ खरीद लो इन्फिनिटी वॉर पार्ट टू भी बोलते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन है ये Avengers Endgame। आज दो मैगजीन लॉन्च हुई जिसके कवर में एवेंजर्स की फोटो। पहले कवर में हमें देखे टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स, ब्लैक विडो, नताशा, आलिया रोम, क्लिंट बार्टन, हॉकआई और मार्क रफलो एज हल्क। हमें सारे छह एवेंजर्स दिखे, एक्चुअली मैं क्रिस हेम्सवर्थ हूँ और थॉर ग्रेगर और अदर जान लोग हैं। और सेकेंड कवर में हमें इकलौते दिखे जॉर्ज बर्ड थानोस के रोल में हुए अपने फुल आर्मर के साथ, जिस चीज का हमें इन्फिनिटी वॉर से इंतजार था, आर्मर। थानोस का आर्मर कहाँ है वो मैं आखिरकार देख चुका है। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूँ, उसको उनका हाथ भी वापस ठीक हो चुका था, मतलब थानोस का हाथ, आपको बताओ स्नैप के बाद हाथ डैमेज हो गया था, बट इस पोस्टर में मतलब इस मैगजीन कवर में वो हाथ वापस सही हो चुका। वेल, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या अब क्वेश्चन ये है कि मूवी में हमें थानोस वापस आर्मर में दिखेगा? क्या हम वापस से उसे उसके पूरे हाथ सही हाथ में देख पाएंगे? और वेल, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम के बीच में, तो अब तक थानोस ने गॉन्टलेट चलाना भी ढंग से सीख लिया, तो एवेंजर्स जीतेंगे कैसे? ये बहुत सारे क्वेश्चन है। इस ट्रेलर ने हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया बल्कि और सारे क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं, और आंसर सिर्फ एक है, एंड गेम जो आ रही है 26 अप्रैल को। वेल, आप लोग मुझे बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं एंड गेम के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा हूँ और अब तक ये ट्रेलर में बिलियंस बार देख चुका हूँ। वेल, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, पीस आउट। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। क्यों एवेंजर्स की ये फिल्म इतनी चर्चा में है? इस फिल्म को सभी लोगों को देखनी चाहिए जो भी फिल्म्स देखने में इंटरेस्टेड हैं। थानोस के पास कौन कौन से स्टोन हैं और बाकी के स्टोन्स किस किस के पास है, फिल्म की स्टोरी क्या है और ट्रेलर देख के क्या लगता है, इस फिल्म का फाइनल कलेक्शन कितना हो सकता है, और साथ ही पढ़ेंगे लोगों द्वारा पूछे गए कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और उनके जवाब देंगे इस वीडियो के एंड में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड रेडी स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मार्वल्स की मच अवेटेड फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बारे में। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ये 19वीं फिल्म है MCU की, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। अब ऐसा क्या है इस फिल्म में खास और क्यों हर किसी को देखनी चाहिए ये फिल्म? हर किसी को मतलब कि जो भी फिल्म्स देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपको बता दे, मूवीज एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है आजकल एंटरटेनमेंट का, जो कि हमें हर एक लेवल पे एंटरटेन करती है, चाहे वो म्यूजिक हो या इमोशन या फिर फिल्म की स्टोरी लाइन। और हॉलीवुड की ये सीरीज कुछ ऐसी है जो हमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एंटरटेन करती है, चाहे हम बात करें फिल्म की म्यूजिक की या इमोशन की या फिर स्टोरी लाइन की या फिर टेक्नोलॉजी की। इन सीरीज में बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट एक्टर्स ने काम किया है, उनका यूज किया गया है, और ये सभी सीरीज हॉलीवुड की बेस्ट फिल्मों में काउंट होती है, जिनका बजट और कलेक्शन दोनों ही रिकॉर्डेबल होता है। इसीलिए ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए, जो भी इन सब में से किसी भी एक में इंटरेस्टेड है तो उसे जरूर देखनी चाहिए। ये मार्वल की 19वीं फिल्म है, मतलब कि इससे पहले लगभग 18 फिल्म बन चुकी है, और उन 18 मूवीज का ये फिल्म क्लाइमेक्स है। उन सभी फिल्मों को ऐसा बनाया गया है, ऐसी कहानी लिखी गई है, ऐसे कैरेक्टर चूज किए गए हैं, या फिर उन फिल्मों का ऐसा एंड दिया गया है कि वो सभी फिल्में इस फिल्म से आके जुड़ सके। कहा जाए तो ये फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर क्लाइमेक्स है उन सभी फिल्मों का, या यूं कहें कि हर फिल्म में क्लाइमेक्स होता है, लेकिन उन 18 फिल्मों का क्लाइमेक्स एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ये एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पे। फिल्म को डायरेक्ट किया है रूसो ब्रदर्स ने। ये दो अलग नाम है और दो लोग हैं, एंथनी रूसो, जॉय रूसो, और इन दोनों को रूसो ब्रदर्स भी कहा जाता है। इन दोनों ने इससे पहले बहुत से फिल्म्स डायरेक्ट की है और उन फिल्मों में मार्वल की सीरीज भी शामिल है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका,
अमेरिका द विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, और ये दोनों जाने जाते हैं अपने कॉमेडी सीरीज के लिए अरेस्टेड डेवलपमेंट के लिए, और इसके लिए इन्हें एमी अवार्ड मिला है। रूसो ब्रदर्स ने इस फिल्म को अनाउंस किया था 2014 में, और फाइनली ये फिल्म अब हम लोगों के सामने आ रही है 2018 में। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये ट्रेलर रिलीज हुआ था 29 नवंबर को और अभी तक उसे 145 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं और लगभग 4 लाख से भी ऊपर कमेंट्स मिले हैं। ये ट्रेलर यूट्यूब पे एक दिन में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली पहली वीडियो बन गई है, और ऐसा हो क्यों ना। मार्वल की ये पहली ऐसी मूवी है जिसमें मार्वल के सभी कैरेक्टर को एक साथ दिखाया गया है, उन सभी कैरेक्टर को एक साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। बात करते हैं ट्रेलर की, तो ट्रेलर स्टार्ट होता है और सबसे पहले सुनते हैं निक फ्यूरी की आवाज, और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी के एवेंजर्स। आगे देखते हैं टोनी स्टार्क को जो अफसोस कर रहे होते हैं और बैठे होते हैं, उनके हाथ में चोट लगी होती है। उसके बाद हमें दिखाई देते हैं ब्रूस बैनर जो हल्क बनके गिरे होते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पे। आगे हमें साथ दिखते हैं वोंडा और विजन, वो दोनों एक ही साथ विजन के ही घर पे रहते हैं, और विजन एक इंसान बन चुका होता है जिसके सर पे अभी भी माइंड स्टोन है, और जहाँ तक हमें लग रहा है कि इस स्टोन की वजह से ही वो इंसान बन जाते हैं, लेकिन उस स्टोन को छुपा नहीं पा रहे हैं। हमने सिविल वॉर के एंड में देखा था कि कैप्टन अमेरिका ने सबको जेल से निकाल दिया था, और तब से ये लोग छुपे हुए हैं, और ये सीन वही है छुपे होने का। कैप्टन और विंटर सोल्जर दोनों वकांडा में छुपे हुए हैं। आगे देखते हैं कि टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज के घर में होते हैं, और देख के तो यही लगता है कि बैनर ने उन्हें बुलाया होता है ये बोलने के लिए कि जंग की शुरुआत हो चुकी है। आगे हम देखते हैं कि पीटर पार्कर बस में बैठे हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिससे उन्हें एहसास होता है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है। मार्वल की ये पहली मूवी है जिसमें हमें स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस दिखता है जो कि बाकी की फिल्मों में मिसिंग था। पीटर को आसमान में एक बड़ी सी सर्कुलर मशीन दिखती है जो कि लगता है कि किसी टाइप का वेपन है, और आगे दिखता है कि देश बर्बाद हो गया है और तबाही से पूरे आसमान में धूल उड़ रही है, तो देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सब इसी मशीन की वजह से हुआ है। आगे हमें बैनर दिखाई देते हैं जिनके पीछे का बैकग्राउंड देख के लगता है कि वो वापस वकांडा आ गए हैं, और ये सीन देख के लगता है कि ब्रूस बैनर टोनी के आर्मर को अपडेट कर रहे हैं वकांडा के रिसोर्सेज और वाइब्रेनियम के हद से, क्योंकि आगे की सीन में हमें आर्मर दिखता है जो कि पहले के अकॉर्डिंग काफी अलग होता है। उस सीन में बैनर के सामने नजर आती है नताशा। इस ट्रेलर में दो अलग अलग जगह पर लड़ाई होती है, वकांडा और न्यूयॉर्क, क्योंकि जो लोग हमें न्यूयॉर्क में दिखते हैं वही लोग वकांडा में भी दिखाई देते हैं, और उसके बाद फाइनली हमें दिखता है इस फिल्म का विलन थैनोस। वकांडा में जो हमें ये चार हाथ वाले दिखे थे इन्हें कहते हैं आउटराइडर, जो काम करते हैं थैनोस के लिए। ये जो आउटराइडर है ये पैदा नहीं होते, इन्हें बनाया जाता है, और इनका काम होता है मरते दम तक अपने मालिक की गुलामी करना या उनकी आज्ञा का पालन करना। अगर कॉमिक की बात करें उसमें क्या होता है तो थैनोस यूज करता है आउटराइडर्स को नए प्लैनेट्स ढूंढने और उन पर कब्जा करने में। आउटराइडर की बड़ी आर्मी के अलावा थैनोस के लिए एक विलन की टीम भी काम करती है जिन्हें जाना जाता है ब्लैक ऑरा के नाम से। कॉमिक बुक में इन ब्लैक के टीम में शामिल है 5 मेंबर। कॉमिक में थैनोस इन सबको भेजता है अलग अलग जगह पर जेम्स लाने के लिए, और ट्रेलर में भी हमें यही देखने को मिला। हम देखते हैं कि दो लोग विजन के माइंड से उसका स्टोन निकाल रहे हैं, और वोंडा को यहाँ देख के लग रहा है कि वो विजन को बचाने के लिए आई है, और कैप्टन अमेरिका को देख के खुश हो जाती है। आगे देखते हैं कि लोकी थैनोस को टेसरेक्ट क्यूब देता है। अब ये देख के कहा जा सकता है कि लोकी ने फिर से टीम बदल ली है, क्योंकि पहले पार्ट में एवेंजर में थैनोस ने उसे टेसरेक्ट लाने का काम दिया होता है, लेकिन एक और रीजन हो सकता है कि क्या पता वो मजबूरी में दे रहा हो। बात करें इंफिनिटी स्टोन्स की तो थैनोस के पास अभी तक हमें सिर्फ 2 स्टोन्स दिखाई दिए, जिसमें से पहला स्टोन है ब्लू कलर का जिसे कहा जाता है स्पेस स्टोन जो कि निकला है टेसरेक्ट क्यूब से, और दूसरा है पावर स्टोन। अब ये इसको कैसे मिला ये तो किसी को नहीं पता और ना ही ट्रेलर में दिखाया गया है, लेकिन जैसा कि हमने गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में देखा था कि ये स्टोन नोवा के पास जमा था, तो शायद नोवा को हरा के थैनोस ने उनसे लिया हो। बात करें बाकी के स्टोन्स की तो रियलिटी स्टोन वो है कलेक्टर के पास, टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो कि अभी भी हम उनके पास देख सकते हैं, सोल स्टोन इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन इस स्टोन को ब्लैक पैंथर में देखा गया था। और हम इस ट्रेलर में देखते हैं कि वाकांडा में बहुत बड़ा हमला होता है और हमें एवेंजर्स की टीम भी वही दिखाई देती है, तो कहा जा सकता है कि सभी एवेंजर्स मिलके सोल स्टोन बचाना चाहते हैं। इस ट्रेलर में हमें पहली बार स्पाइडरमैन का आयरन सूट देखने को मिलता है, और ये सूट पहले हम देख चुके हैं सिविल वॉर में, और हमेशा की तरह स्पाइडरमैन फिर गलतियां कर बैठते हैं और जल्दीबाजी में वो आके थैनोस से भिड़ जाते हैं और थैनोस उनकी खूब पिटाई करता है। आगे देखते हैं टचाला यानी कि ब्लैक पैंथर वकांडा की पावर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे कैप्टन अमेरिका को नई शील्ड देने की बात करते हैं, क्योंकि सिविल वॉर में हम देखते हैं कि वो अपनी शील्ड को स्टार्क के पास ही छोड़ देते हैं। एंड में कैप्टन अमेरिका के हाथ में कुछ देखते हैं, शायद ये पोर्टेबल शील्ड है जो हमें मार्वल की नई कॉमिक बुक में भी देखने को मिला था। इस सीन में हमें हल्क स्मैशर भी दिखता है, लेकिन इसके अंदर कौन है ये नहीं पता। लास्ट में हमें थॉर दिखता है जो कि स्पेस से फेंका गया होता है और आके टकराता है गार्जियन से, और जब थॉर उनसे मिलता है तो थोड़ा
रियलाइज होता है। और ये जो सीन है वो है गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के। ये सीन गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के 4 साल के बाद का है। इस सीन में हमें थॉर की आंख पर आई पैच भी दिखता है जो कि इसने थॉर रैग्नारोक में लगाया था। लेकिन जो इन्फिनिटी वॉर का लीक ट्रेलर आया था उसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था। तो ये सब बातें थी जो हमें ट्रेलर देखने के बाद लगा। ये सभी लोग सिविल वॉर के बाद कहां छुप गए थे या फिर उसके बाद क्या क्या हुआ था? तो अभी हाल ही में जनवरी में एक बुक आई थी जिसका नाम है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर प्रीलूड, जिसमें सिविल वॉर के आगे की कहानी बताई गई है। उस बुक की स्टोरी और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी काफी मिलती जुलती है। ये फिल्म रिलीज हो रही है 4 मई को। फिल्म में म्यूजिक दिया है एलन सिल्वेस्ट्री ने। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं केविन फिग। केविन फिग एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर है और प्रेसिडेंट है मार्वल स्टूडियोज के। फिल्म प्रेजेंटेड बाई मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी वीडियो बनाया जाए जिसमें मार्वल सीरीज की कहानी के बारे में बताएं, उन सुपर हीरोज की बात करें और उनके पावर की, कि उन्हें ये पावर कैसे मिले और आगे क्या होने वाला है, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो अब बारी है कमेंट सेक्शन की। तो सबसे पहला नाम है नीता बोडो। उनका सवाल है कि क्या जॉन अब्राहम की फोर्स 3 बन सकती है? बाय द वे नाइस वीडियो, शुक्रिया दोस्त कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी। और जॉन अब्राहम की फोर्स 3 के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल्म मेकर्स ने शेयर नहीं की है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है फिल्म मेकर से तो हम जरूर अपडेट करेंगे। छोटा भट्ट ये फिल्म के कलेक्शन जानना चाहते हैं और इनके साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिल्म के कलेक्शन जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि टीम एक बहुत जल्द वीडियो अपडेट करने वाली है। उस वीडियो में 2018 में जितनी भी फिल्म रिलीज हुई है उन सभी कलेक्शन के बारे में बात होंगी। मयंक शर्मा, 1942 से लेकर 1990 तक बताओ, जैसे किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और देवा आनंद, ऑल एक्टर्स राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, इनके मूवीज के बारे में प्रोफाइल। दोस्त शुक्रिया, आपके इस सजेशन को हम अपने पास रखते हैं। इसके ऊपर हम अपनी टीम से बात करेंगे और बहुत जल्द उम्मीद है कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अगला कमेंट है भावेश, आई लव यू। मेरा सवाल है कि टाइगर सर की मूवी रैम्बो में एक्ट्रेस कौन होगी? दोस्त अभी इस बात की इन्फॉर्मेशन फिल्म मेकर्स ने शेयर नहीं की है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम जरूर अपडेट करेंगे। अगला कमेंट है ग्रीन ऑरेंज गेमिंग, और ये सिद्धार्थ मल्होत्रा के सभी फिल्मों के कलेक्शन जानना चाहते हैं। तो उनकी पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसने कलेक्शन किया था 97 करोड़ का। हंसी तो फंसी 62 करोड़, एक विलन 170 करोड़, कपूर एंड सन्स 152 करोड़, इत्तेफाक 51 करोड़। और दोस्त अभी जो उनकी फिल्म आई है अयारी, तो उसका भी फाइनल कलेक्शन नहीं आया है। अगला कमेंट है जफर पठान का, भाई सलमान खान की फिल्म तेरे नाम 2 कब आएगी, जरूर बताएं। दोस्त अभी इस फिल्म के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल्म मेकर्स ने शेयर नहीं की है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम जरूर अपडेट करेंगे। कृष्णा कांत, टाइगर श्रॉफ ने अब तक कितनी फिल्म्स की हैं? दोस्त टाइगर ने बहुत सी फिल्म्स की हैं, जैसे कि हीरोपंती, फ्लाइंग जट, मुन्ना माइकल और बागी, मोहम्मद उल हसन, सुपर वीडियो, नीड टू नो अबाउट वांटेड 2, भाई गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। दोस्त इस फिल्म के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल्म मेकर्स ने शेयर नहीं की है। अपडेट्स आते ही हम जरूर वीडियो अपडेट करेंगे। और लास्ट कमेंट है नसी खान का, अंकित भाईजान आपका आवाज सुना है, बहुत अच्छा लगता है, आप जब बोलते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया दोस्त कि आपको हमारी आवाज अच्छी लगती है और आप हमें पसंद करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय दे और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों ध्यान रहे हमारी टीम आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ती है और कोशिश करती है उन कमेंट्स की रिप्लाई करने की। हम जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिनको बहुत लोगों ने अलग अलग तरह से पूछा होता है, पहले उन सबको वीडियोस में आंसर करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस हमारी टीम जितना हो सके व्यूअर्स के कमेंट बॉक्सेस में ही आंसर करती है। सो डोंट बी अपसेट अगर किसी का नाम नहीं आया, तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज, आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एवेंजर्स एंडगेम को सबसे बड़ी सीरीज क्यों कहा जा रहा है? भारत में फिल्म का टिकट कितने रुपए में बिक रहा है? एवेंजर्स का पहला भाग विश्व की टॉप 10 फिल्मों में कितने नंबर पर था? एवेंजर्स एंड गेम के क्लाइमैक्स को लेकर डायरेक्टर क्यों है परेशान? स्टार वॉर्स का रिकॉर्ड एवेंजर्स एंड गेम ने कैसे तोड़ दिया? एवेंजर्स एंड गेम भारत में कितनी भाषाओं में रिलीज की जा रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों मशहूर हॉलीवुड सीरीज एवेंजर्स एंड गेम भारत में 26 अप्रैल को रिलीज हो रही है और रिलीज से पहले ही फिल्म ने तहलका मचा दिया है।
फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग कल से शुरू हुई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, फिल्म के सारे शो हाउसफुल थे। इतना ही नहीं, फिल्म की टिकट की ऐसी डिमांड थी कि सारे ऐप और वेबसाइट तक क्रैश हो गए। फिल्म के लिए दर्शकों का उत्साह इतना है कि फिल्म के टिकट 2200 रुपए तक के बिक रहे हैं। इससे पहले सबसे महंगे टिकट ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बिके थे, जिनकी कीमत 400 से 1600 रुपए तक थी। गौरतलब है कि एवेंजर्स की आखिरी फिल्म को भी दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। आपको बता दें कि एवेंजर्स मार्वल यूनिवर्स के सुपर हीरो की एक सीरीज है, जिसमें कुल 21 फिल्में हैं। ये सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाने वाली सीरीज है। इस सीरीज की शुरुआत हुई थी आयरन मैन के साथ, इसके बाद हल्क, कैप्टन अमेरिका के साथ कहानियां और सुपर हीरो बढ़े, जिसके बाद पहली एवेंजर्स फिल्म बनी जहां सारे सुपर हीरो एक साथ आए। वहीं आपको बता दें कि विश्व की टॉप 10 फिल्मों में छठे नंबर पर हैं एवेंजर्स एंड गेम, जबकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 8वें नंबर पर। पिछली फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की वर्ल्ड वाइड रैंक भी 4 रही है। वैसे आपको बता दें कि इस बार फिल्म को बनाते समय डायरेक्टर की सबसे बड़ी चिंता थी कि कहीं क्लाइमैक्स ना लीक हो जाए, और इसीलिए फिल्म के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 क्लाइमैक्स शूट किए गए, जिनमें से केवल एक ही फिल्म का हिस्सा होने वाला है। गौरतलब है कि रिलीज से पहले ही फिल्म के कुछ भाग लीक हो चुके हैं, जिसके बाद फिल्म से जुड़ी टीम ने फैंस से गुजारिश की थी कि अपनी इन फेवरेट सीरीज को अच्छे से विदा करें और थिएटर में जाकर ही फिल्म को देखें। तो आप कितना एक्साइटेड हैं, अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल एवेंजर 4 की स्टोरी के बारे में बात की थी, वो भी आधी अधूरी, तो आज हम उस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज जाके देखें, क्योंकि उसके बिना ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं कल की स्टोरी, जहां हमने खत्म की थी। कल हमने खत्म किया था कि वो चारों, यानी कि कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका, रॉनिन और ब्लैक विडो शील्ड के हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं। तो आगे की स्टोरी यह है कि जैसे ही वो चारों वहां पहुंचते हैं, वहां पहले से ही टोनी स्टार्क, हैंक, जेनेट, एंटमैन और वोंग मौजूद होते हैं। उसके बाद क्या है, वहां से वोंग निकल लेते हैं सेंटम की तरफ। टोनी और हैंक मिलकर एक डिवाइस तैयार करते हैं। लोगों को लगता है कि ये टाइम मशीन है, पर एक्चुअली वो टाइम मशीन नहीं होता, वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारी इंफिनिटी स्टोन को महफूज रख सके। अगर आपको एक फिल्म याद होगी, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1, तो उसमें ओब दिया जाता है सबको, ताकि पावर स्टोन मिलने पे उसे महफूज सभी कंटेन कर सके। और ऐसे ही डिवाइस एक सभी सुपर हीरो को दिया जाता है, ताकि इंफिनिटी स्टोन सही और सुरक्षित रख सके। इधर हल्क आकर एक न्यूज देते हैं टोनी को कि टोनी, हमारे विलन का पता चल चुका है, मतलब कि विलन थैनोस का, बिल्कुल पता चल चुका है कि वो अभी इस समय कहां है। और वो पता किसने किया है, आपको पता है? वही टोनी की टीम, जो बार बार अंतरिक्ष यान में जाती थी टोनी का पता करने के लिए, टोनी का नहीं, थैनोस का पता करने के लिए। जी हां, बिल्कुल। आगे ये होता है कि सभी लोग उससे भिड़ने के लिए तैयार होते हैं। इधर टोनी कैप्टन अमेरिका को उनका पुराना वाला ट्रेडिशनल सूट देते हैं, और साथ ही एक नई शील्ड भी, और कहते हैं कि शायद तुम्हें अपने पहले वाले रूप में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी हमें बहुत जरूरत है। इसके बाद सभी रेडी होते हैं थैनोस से भिड़ने के लिए। कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क, थॉर, नेब्यूला और हमारे ब्लैक विडो, साथ भी रॉनिन भी। ये सभी चले जाते हैं जहां थैनोस होता है, और बाकी के सुपर हीरो
अर्थ पर ही रह जाते हैं। ऐसे ही सभी सुपर हीरोज उस प्लेनेट पर पहुंचते हैं जहां थैनोस है। सभी पहुंचने के बाद उस पर आक्रमण करते हैं। इस बार थैनोस सबके सामने फीका पड़ गया और हमारे सुपर हीरोज उन पर भारी पड़ गए। बिल्कुल, थैनोस इसलिए फीका पड़ गया क्योंकि उसका जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट है वो डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से थैनोस उन सभी सुपर इन्फिनिटी स्टोन का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इस लड़ाई में हमें रॉनिन और थैनोस का एक फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा, जहां रॉनिन भी थैनोस पर इस बार भारी पड़ते हुए नजर आएंगे और वो उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट निकाल लेते हैं उससे। जैसे ही सारे इन्फिनिटी स्टोन निकलते हैं, सभी उस एक डिवाइस में बंद कर लेते हैं, लेकिन सोल स्टोन कहीं अचानक से गायब हो जाता है। अब वो कहां गायब होता है ये बात सिर्फ एक इंसान को पता होता है। कौन? बिल्कुल, नेब्यूला। नेब्यूला जान जाती है कि सोल स्टोन कहां गया है और वो टोनी स्टार्क को बताती है कि वो वार्मर में मिलेगा। टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका ये दोनों चले जाते हैं वार्मर में। इधर थॉर और बाकी की टीम, मतलब कि कैप्टन मार्वल, रॉनिन, थैनोस को पकड़ कर रखती है, उसे संभाले रखती है। लेकिन तुरंत एंट्री होती है आपका और हमारा विलन सुपर जेंट। वो आता है और थैनोस को छुड़ा ले जाता है। जब सब कुछ ठीक हो गया होता है तो कैप्टन अमेरिका सबको कहते हैं कि अब देखो, यहां का काम ठीक हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, थैनोस अब हमारे कब्जे में है और सारे स्टोन्स भी हमारे पास है। तो अब एक काम करो, सभी अर्थ पर जाओ क्योंकि अब अर्थ को सुरक्षित रखना है। जैसे ही ये सब बोलकर कैप्टन अमेरिका वार्मर जाते हैं, वहां पे कैप्टन अमेरिका को रेड स्कल दिखाई देता है। रेड स्कल देखकर कैप्टन अमेरिका शॉक हो जाते हैं। रेड स्कल कहता है कि अगर आप लोगों को सोल स्टोन चाहिए तो किसी एक के कुर्बानी देनी होगी। टोनी कैप्टन को देखते हैं, कैप्टन टोनी को देखते हैं। इसके बाद कैप्टन टोनी को अपना सील देते हैं और गुड बाय फ्रेंड बोलकर कूद जाते हैं। कूदने के बाद टोनी के हाथों में सोल स्टोन आ जाता है। वो टोनी खुश तो होता है सोल स्टोन से, लेकिन काफी डिसअपॉइंटेड भी होता है कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके जाने के बाद थॉर और कैप्टन मार्वल टोनी के पास आते हैं और वो बताते हैं कि थैनोस उनके कब्जे से छूट चुका है और पता नहीं वो अब कहां पे है और कैसे आक्रमण करेगा। टोनी सबको लेकर अर्थ पर जाता है। अर्थ पर जाते ही जो बाकी की सुपर हीरोज थे, बाकी के सुपर हीरोज यानी कि हमारे हैंक, सूरी और छोटा चेतन यानी रॉकेट, जी हाँ बिल्कुल, और सभी ने मिलकर एक ऐसी डिवाइस तैयार की होती है जिससे एक साथ सभी इंफिनिटी स्टोन्स को यूज कर सकते हैं। सभी इंफिनिटी स्टोन्स का यूज करके सारे सुपर हीरोज को टोनी स्टार्क जिंदा करते हैं, जहां डॉक्टर स्ट्रिंग भी जिंदा होते हैं और उनके साथ अनफ्रीज लोग भी। जैसे ही सभी जिंदा होते हैं तभी आता है थैनोस और उसका पार्टनर सुपर जेंट। वो दोनों न्यूयॉर्क पर आक्रमण करते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को उस पर बहुत गुस्सा आया होता है। इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज उससे सीधा सामना करते हैं और उससे उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है। मतलब हमें इन दोनों के बीच की एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगी जो कि काफी लंबा होगा। फाइट सीक्वेंस तो ठीक है, लेकिन जीत इस बार अब सुपर हीरोज की हो रही है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को वापस क्वांटम रियलम में भेज देते हैं और उसको लॉक कर देते हैं। इधर बाकी के सुपर हीरोज मिलकर जो सुपर जेंट है उसको मार देते हैं। कहानी दोस्तों अब खत्म हो गई है, सिर्फ इसमें एक सीन रह गया है। जो हमारे कैप्टन अमेरिका हैं, उनको सभी आखिरी सलामी देते हैं। उनको आखिरी सलामी देने के लिए बहुत से लोग आए होते हैं, बहुत से। वो सीन काफी इमोशनल सीन रहेगा सभी के लिए,
सलामी देने के वक्त वहां पर टोनी डायलॉग मारते हैं कि सुपर हीरोज कभी भी गिव अप नहीं करते, चाहे क्यों ना उन्हें सेक्रीफाइस ही करना पड़े, वो कभी गिव अप नहीं करते। सुपर हीरोज नेवर गिव अप, इसी के साथ द एंड का टाइटल आता है। दोस्तों, इस लीक के हिसाब से इस फिल्म में दो पोस्ट क्रेडिट सीन है। अब वो क्या है हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, लेते हैं आपसे अलविदा। मिलेंगे सेम यहीं कल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। थैंक यू। दोस्तों, अगर किसी ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो हम आज उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं, बिल्कुल ही शॉर्ट और क्रिस्प करके, वो भी एक दो मिनट में। तो आइए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं फिल्म एवेंजर इंफिनिटी वॉर की। जी हां, बिल्कुल, उस फिल्म को लोगों ने खूब इंजॉय किया थिएटर्स में, और जैसे ही फिल्म खत्म हुई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। पहला सवाल तो यह था कि क्या थैनोस मरेगा या नहीं। विलेन है तो ऑब्वियस सी बात है कि मरेगा, लेकिन उसे मारेगा कौन और कैसे मारेगा, यह सवाल उठा। दूसरा सवाल यह था कि एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर में हमने हॉकाई को नहीं देखा था, तो सवाल कहीं मन में था कि हां, हॉकाई रॉनिन बनने वाला है, तो क्या वो रॉनिन बना या नहीं, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि क्या जितने सुपर हीरो मरे थे फिल्म एवेंजर इंफिनिटी वॉर में, वो क्या वापस आएंगे या नहीं। सवाल अगला कि क्या एवेंजर इंफिनिटी वॉर 2 में और भी कोई सुपर हीरो मरेगा या नहीं। ऐसे बहुत से सवाल थे। तीसरा सवाल कि क्या जितने भी सुपर हीरो मरे थे फिल्म में, क्या वो वापस आएंगे या नहीं, और आएंगे भी तो कैसे। सवाल अगला कि क्या एवेंजर इंफिनिटी वॉर 2 में और भी सुपर हीरोज मरेंगे या नहीं। इसके साथ ही और भी बहुत, लेकिन फिल्म की स्टोरी तो अब शुरू होती है। फिल्म शुरू होती है टोनी स्टार्क और नेब्यूला से, जहां वो दोनों टाइटन से वापस आते हैं वकांडा, और वकांडा आकर टोनी स्टार्क मिलते हैं स्टीव से, और उसके बाद वो सभी वहां से निकलते हैं एवेंजर्स के न्यू टावर की तरफ। वहां मेन स्टोरी अब आती है। तो ऑफिशियल टाइटल आने के बाद एवेंजर 4 की मेन स्टोरी शुरू होती है, जहां हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के 40 मिलियन पॉसिबिलिटीज के कुछ सीन देखने को मिलेंगे। 40 मिलियन पॉसिबिलिटीज, आप कनेक्शन कर पा रहे होंगे, शायद आपने देखा ही होगा कि इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज मग्न ध्यान करके पॉसिबिलिटीज देख रहे होते हैं कि थैनोस से कितनी बार हम जीत सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटीज हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा, वो भी पूरा नहीं, 40 मिलियन। डॉक्टर स्ट्रेंज रियल में सोल वर्ल्ड में है, और कोई भी नहीं मरा, सभी के सभी सोल वर्ल्ड में है। इस हेल्प से क्वांटम की मदद से एंटमैन, हैंक और जेनेट, ये तीनों बाहर आ जाते हैं, इसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज वापस सोल वर्ल्ड में चले जाते हैं। उधर दूसरी साइड टोनी 4 साल बाद शील्ड के नए डायरेक्टर बन चुके हैं, और वो मदद करते हैं बाकी के लोगों की, और साथ ही साथ अपनी टीम को यूनिवर्स भी भेजते हैं ताकि वो थैनोस को ढूंढते रहें। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो हॉकाई की खोज में निकलते हैं। इधर थॉर इन्फिनिटी वॉर के बाद से ही अर्थ पर रहते हैं, तो कैप्टन मार्वल बताती हैं कि उनके पास निक फ्यूरी का मैसेज आया था। तब टोनी उनको सारी सच्चाई बताते हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। मतलब कि हमें थोड़ा बहुत इसमें फ्लैशबैक देखने को मिल सकता है, मतलब कि इस फिल्म में कैप्टन मार्वल का हमें पूरा जलवा देखने को मिलेगा। उसके बाद कैप्टन मार्वल पूछती हैं स्टीव से कि क्या तुम वही हो जिसके बारे में मैंने बचपन में सुना था, कैप्टन अमेरिका। अगर कैप्टन अमेरिका हो तो प्रूफ करो। वो वहां से सबको, रॉनिन को, ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका को लेकर
जाती हैं शील्ड में। दोस्तों बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के फिल्मों का क्रेज भी हमारे बॉलीवुड में अब बहुत देखने को मिलता है और एवेंजर्स की सीरीज के डाई हार्ड फैन तो हर घर में मिलते हैं। उन फैंस में से एक मैं भी हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को और इंडिया में 3 मई को रिलीज हो रही है सभी एवेंजर्स का तोड़ यानी कि एंड गेम। तो मार्वल्स में अब तक का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हाइप हो रहा है वो है कैरेक्टर थैनोस का। एमसीयू में अभी तक टोटल जितनी भी मूवीज आई हैं, वो लीड करती हैं थैनोस की तरफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या थैनोस को मार पाएंगे एवेंजर्स? थैनोस मरेगा या नहीं, और मरेगा तो कौन मारेगा? कि क्या ये होगा कि सारे एवेंजर्स मर जाएंगे थॉर को छोड़ के? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों आपके मन में फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। एमसीयू के जो एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिला उस पर बात करते हैं। वैसे तो उस फिल्म में कुछ भी हो सकता है जो आने वाली है, लेकिन जानते हैं कि एवेंजर्स और थैनोस के बीच क्या हुआ था एनिमेटेड सीरीज में। तो जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थैनोस सभी को हराकर सारे इन्फिनिटी गॉन्गलेंट अपने हाथ में ले लेता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है। आगे एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है जितने भी एवेंजर्स है धरती पे रह जाते हैं वो सारे थैनोस पर सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थैनोस फिर से वहाँ बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। धरती को बचाने के लिए सारे एवेंजर्स एक साथ थैनोस पे हमला करते हैं, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। फिर ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस को रोकना उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि स्टोन्स थैनोस के पास उनकी वजह से है, और फिर वो इनविजिबल होके थैनोस पे अटैक करती हैं और नाकामयाब रहती हैं। ब्लैक विडो और हल्क की कहानी तो सबको मालूम है। हल्क गुस्से में आ जाती हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं थैनोस पर उसका कोई असर नहीं होता और फिर से वो धरती पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन के पास एक आइडिया आता है और कहते हैं कि अगर थैनोस अपने स्टोन्स को अलग अलग यूज करे तो वो उसे संभाल लेंगे और एंड में उसे मार देंगे। तो सभी एक के बाद एवेंजर्स उन पे अटैक करते हैं जिनमें कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, फाल्कन, आयरन मैन, हल्क और थॉर शामिल होते हैं और उन पे लगातार अटैक करते हैं। थैनोस को काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एस गार्जियन से है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद तुरंत थैनोस टाइम स्टोन को रिवर्स कर देता है जिससे सारे एवेंजर्स फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। जब सारे एवेंजर्स जिंदा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां आयरन मैन सबको बताता है कि थैनोस माइंड स्टोन का यूज कर रहा है। उसके बाद हल्क बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो बल्कि थैनोस की तरफ टारगेट करो। थैनोस पे हल्क अटैक करता है और वो फिर से बच जाता है, लेकिन हल्क का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता है। वो एक बार फिर से थैनोस पर हमला करता है, मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे एवेंजर्स धावा बोल देते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है थैनोस को कि वो हार रहा है तो स्पेस स्टोन का यूज करके टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सारे एवेंजर्स पे एक एक करके हमला करने लगता है, लेकिन हॉकाई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है। दोस्तों जैसा कि आपने पहले फिल्म में देखी होगी कि जैसे ही पीछे से कोई हमला करता है ब्लैक विडो पे या हॉकाई पे तो वो उस पे हमला नहीं कर पाते क्योंकि हमला करने से पहले हॉकाई को और विडो को पता चल जाता है कि हाँ पीछे कोई है और हमला करने वाला है। पैटर्न का पता चल जाता है और वो थैनोस के अटैक करने से पहले उस पे अटैक करके उसे गिरा देता है और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा उस पर रख देता है और आयरन मैन गॉन्गलेट निकाल लेता है। थैनोस को पकड़कर शील्ड के हेडक्वार्टर लाया जाता है जहां निक को लगता है अब सब ठीक हो गया, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, रेड स्कल अभी भी आजाद घूम रहा है। निक फ्यूरी उसको रिकरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रेड स्कल ने सरेंडर कर लिया है। इस बात पर कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थैनोस पर अटैक कर देते हैं और बताते हैं कि थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा सब कुछ कर रहा है, वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख रहे हैं। उसके बाद फिर सारे मिलकर थैनोस पर हमला करने लगते हैं जिससे रियलिटी स्टोन टूट जाता है और सारे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से ये वॉर या जहां से ये फाइट शुरू हुई थी। आने के बाद थैनोस सब पे अपने अपने स्टोन्स यूज करता है
और अटैक करता है जिसमें आयरन मैन मर जाता है। पर जैसे ही वो हेलमेट खोल के देखता है तो पता चलता है कि शूट के अंदर टोनी है ही नहीं। टोनी रिमोट के जरिए शूट को चला रहा था। फिर टोनी बोलता है कि उसको सारे स्टोन्स की रीडिंग मिल गई है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट अर्जनेल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट अर्जनेल एक रोबोट रहता है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्व कर सकता है। थैनोस को और गुस्सा आता है और टोनी के पूरे ऑफिस को स्पेस में ले आता है और उसी टाइम वहां अर्जनेल भी आ जाता है। वो थैनोस की तरफ बढ़ता है। थैनोस एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पे अटैक करता है लेकिन अर्जनेल उसके सारे पावर्स को एब्जॉर्व करते ही जाता है। आगे बढ़ के वो गोंगलिंग निकाल लेता है। फिर क्या, सारे एवेंजर्स एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं और थैनोस हार जाता है, उसे गार्डियंस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एनिमेटेड सीरीज की कहानी थी जो हमने देखी थी, लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और ना ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो रोबोट है अर्जनेल है वो कैप्टन मार्वल हो एंड गेम में। अब ये तो रियलिटी क्या है 26 को पता चलेगी या फिर 3 को। हमें आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे पहले कमांडो 3 आ चुकी है और जंगली भी आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू। दोस्तों, बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के फिल्मों का क्रेज भी हमारे बॉलीवुड में अब बहुत देखने को मिलता है और एवेंजर्स की सीरीज के डाई हार्ड फैन तो हर घर में मिलते हैं। उन फैंस में से एक मैं भी हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को और इंडिया में 3 मई को रिलीज हो रही है सभी एवेंजर्स का तोड़ यानी कि एंड गेम। तो मार्वल्स में अब तक का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हाइप हो रहा है वो है कैरेक्टर थैनोस का। एमसीयू में अभी तक टोटल जितनी भी मूवीज आई हैं, वो लीड करती हैं थैनोस की तरफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या थैनोस को मार पाएंगे एवेंजर्स? थैनोस मरेगा या नहीं, और मरेगा तो कौन मारेगा? कि क्या ये होगा कि सारे एवेंजर्स मर जाएंगे थॉर को छोड़ के? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। एमसीयू के जो एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिला उस पर बात करते हैं। वैसे तो उस फिल्म में कुछ भी हो सकता है जो आने वाली है, लेकिन जानते हैं कि एवेंजर्स और थैनोस के बीच क्या हुआ था एनिमेटेड सीरीज में। तो जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थैनोस सभी को हरा कर सारे इन्फिनिटी गॉन्गलेंट अपने हाथ में ले लेता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है। आगे एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है जितने भी एवेंजर्स है धरती पे रह जाते हैं वो सारे थैनोस पर सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थैनोस फिर से वहाँ बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। धरती को बचाने के लिए सारे एवेंजर्स एक साथ थैनोस पे हमला करते हैं लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। फिर ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस को रोकना उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि स्टोन्स थैनोस के पास उनकी वजह से है, और फिर वो इनविजिबल होके थैनोस पे अटैक करती हैं और नाकामयाब रहती हैं। ब्लैक विडो और हल्क की कहानी तो सबको मालूम है। हल्क गुस्से में आ जाती हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं थैनोस पर उसका कोई असर नहीं होता और फिर से वो धरती पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन के पास एक आइडिया आता है और कहते हैं कि अगर थैनोस अपने स्टोन्स को अलग अलग यूज करे तो वो उसे संभाल लेंगे और एंड में उसे मार देंगे। तो सभी एक के बाद एवेंजर्स उन पे अटैक करते हैं जिनमें कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, फाल्कन, आयरन मैन, हल्क और थॉर शामिल होते हैं और उन पे लगातार अटैक करते हैं। थैनोस को काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एस्गार्डियन से है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद तुरंत थैनोस टाइम स्टोन को रिवर्स कर देता है जिससे सारे एवेंजर्स फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। जब सारे एवेंजर्स जिंदा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां आयरन मैन सबको बताता है कि थैनोस माइंड स्टोन का यूज कर रहा है। उसके बाद हल्क बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो बल्कि थैनोस की तरफ टारगेट करो। थैनोस पे हल्क अटैक करता है और वो फिर से बच जाता है।
लेकिन हल्क का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता है। वो एक बार फिर से थानोस पर हमला करता है, मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे एवेंजर्स धावा बोल देते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है थानोस को कि वो हार रहा है, तो स्पेस स्टोन का यूज करके टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सारे एवेंजर्स पे एक एक करके हमला करने लगता है, लेकिन हॉकाई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले फिल्म में देखी होगी कि जैसे ही पीछे से कोई हमला करता है ब्लैक विडो पे या हॉकाई पे, तो वो उस पे हमला नहीं कर पाते, क्योंकि हमला करने से पहले हॉकाई को और विडो को पता चल जाता है कि हाँ, पीछे कोई है और हमला करने वाला है। पैटर्न का पता चल जाता है और वो थानोस के अटैक करने से पहले उस पे अटैक करके उसे गिरा देता है। और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा उस पर रख देता है और आयरन मैन गॉन्गलेट निकाल लेता है। थानोस को पकड़कर शील्ड के हेडक्वार्टर लाया जाता है, जहां निक को लगता है अब सब ठीक हो गया। पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, रेड स्कल अभी भी आजाद घूम रहा है। निक फ्यूरी उसको रिकरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रेड स्कल ने सरेंडर कर लिया है। इस बात पर कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थानोस पर अटैक कर देते हैं और बताता है कि थानोस रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा सब कुछ कर रहा है। वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख रहे हैं। उसके बाद फिर सारे मिलकर थानोस पर हमला करने लगते हैं, जिससे रियलिटी स्टोन टूट जाता है और सारे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से ये वॉर या जहां से ये फाइट शुरू हुई थी। आने के बाद थानोस सब पे अपने अपने स्टोन्स यूज करता है और अटैक करता है, जिसमें आयरन मैन मर जाता है। पर जैसे ही वो हेलमेट खोल के देखता है, तो पता चलता है कि शूट के अंदर टोनी है ही नहीं। टोनी रिमोट के जरिए शूट को चला रहा था। फिर टोनी बोलता है कि उसको सारे स्टोन्स की रीडिंग मिल गई है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट अर्जनेल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट अर्जनेल एक रोबोट रहता है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्व कर सकता है। थानोस को और गुस्सा आता है और टोनी के पूरे ऑफिस को स्पेस में ले आता है। और उसी टाइम वहाँ अर्जनेल भी आ जाता है। वो थानोस की तरफ बढ़ता है। थानोस एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पे अटैक करता है, लेकिन अर्जनेल उसके सारे पावर्स को एब्जॉर्व करते ही जाता है। आगे बढ़ के वो गॉन्गलेट निकाल लेता है। फिर क्या, सारे एवेंजर्स एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं और थानोस हार जाता है। उसे गार्डियंस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एनिमेटेड सीरीज की कहानी थी जो हमने देखी थी, लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और ना ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो रोबोट है अर्जनाइल है, वो कैप्टन मार्वल हो एंड गेम में। अब ये तो रियलिटी क्या है 26 को पता चलेगी या फिर 3 को। हमें आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो इससे पहले कमांडो 3 आ चुकी है और जंगली भी आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू। दोस्तों, बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के फिल्मों का क्रेज भी हमारे बॉलीवुड में अब बहुत देखने को मिलता है और एवेंजर्स की सीरीज के डाई हार्ड फैन तो हर घर में मिलते हैं। उन फैंस में से एक मैं भी हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को और इंडिया में 3 मई को रिलीज हो रही है सभी एवेंजर्स का तोड़, यानी कि एंड गेम। तो मार्वल्स में अब तक का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हाइप हो रहा है वो है कैरेक्टर थानोस का। एमसीयू में अभी तक टोटल जितनी भी मूवीज आई हैं, वो लीड करती हैं थानोस की तरफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या थानोस को मार पाएंगे एवेंजर्स? थानोस मरेगा या नहीं, और मरेगा तो कौन मारेगा? कि क्या ये होगा कि सारे एवेंजर्स मर जाएंगे थॉर को छोड़ के? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। एमसीयू के जो एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिला उस पर बात करते हैं। वैसे तो उस फिल्म में कुछ भी हो सकता है जो आने वाली है, लेकिन जानते हैं कि एवेंजर्स और थानोस के बीच क्या हुआ था एनिमेटेड सीरीज में। तो जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थानोस सभी को हरा कर सारे इन्फिनिटी गॉन्गलेट अपने हाथ में ले लेता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है। आगे एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है जितने भी एवेंजर्स है धरती पे रह जाते हैं, वो सारे थानोस पर सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थानोस फिर से वहाँ बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। धरती को बचाने के लिए सारे एवेंजर्स एक साथ थानोस पे हमला करते हैं, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। फिर ब्लैक विडो बोलती है कि थानोस को रोकना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टोन्स थानोस के पास उनकी वजह से है। और फिर वो इनविजिबल होके
थैनोस पे अटैक करती हैं और नाकामयाब रहती हैं। ब्लैक विडो और हल्क की कहानी तो सबको मालूम है। हल्क गुस्से में आ जाती हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं थैनोस पर उसका कोई असर नहीं होता और फिर से वो धरती पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन के पास एक आइडिया आता है और कहते हैं कि अगर थैनोस अपने स्टोन्स को अलग अलग यूज करे तो वो उसे संभाल लेंगे और एंड में उसे मार देंगे। तो सभी एक के बाद एवेंजर्स उन पे अटैक करते हैं, जिनमें कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, फाल्कन, आयरन मैन, हल्क और थॉर शामिल होते हैं और उन पे लगातार अटैक करते हैं। थैनोस को काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एस्गार्डियन से है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है। वो काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एस्गार्डियन से है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद तुरंत थैनोस टाइम स्टोन को रिवर्स कर देता है जिससे सारे एवेंजर्स फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। जब सारे एवेंजर्स जिंदा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां आयरन मैन सबको बताता है कि थैनोस माइंड स्टोन का यूज कर रहा है। उसके बाद हल्क बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो बल्कि थैनोस की तरफ टारगेट करो। थैनोस पे हल्क अटैक करता है और वो फिर से बच जाता है, लेकिन हल्क का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता है। वो एक बार फिर से थैनोस पर हमला करता है, मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे एवेंजर्स धावा बोल देते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है थैनोस को कि वो हार रहा है, तो स्पेस स्टोन का यूज करके टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सारे एवेंजर्स पे एक एक करके हमला करने लगता है, लेकिन हॉकाई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले फिल्म में देखी होगी कि जैसे ही पीछे से कोई हमला करता है ब्लैक विडो पे या हॉकाई पे, तो वो उस पे हमला नहीं कर पाते, क्योंकि हमला करने से पहले हॉकाई को और विडो को पता चल जाता है कि हाँ, पीछे कोई है और हमला करने वाला है। पैटर्न का पता चल जाता है और वो थैनोस के अटैक करने से पहले उस पे अटैक करके उसे गिरा देता है और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा उस पर रख देता है और आयरन मैन गॉन्गलेट निकाल लेता है। थैनोस को पकड़कर शील्ड के हेडक्वार्टर लाया जाता है, जहां निक को लगता है अब सब ठीक हो गया, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, रेड स्कल अभी भी आजाद घूम रहा है। निक फ्यूरी उसको रिकरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रेड स्कल ने सरेंडर कर लिया है। इस बात पर कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थैनोस पर अटैक कर देते हैं और बताते हैं कि थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा सब कुछ कर रहा है, वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख रहे हैं। उसके बाद फिर सारे मिलकर थैनोस पर हमला करने लगते हैं जिससे रियलिटी स्टोन टूट जाता है और सारे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से ये वॉर या जहां से ये फाइट शुरू हुई थी। आने के बाद थैनोस सब पे अपने अपने स्टोन्स यूज करता है और अटैक करता है, जिसमें आयरन मैन मर जाता है। पर जैसे ही वो हेलमेट खोल के देखता है तो पता चलता है कि शूट के अंदर टोनी है ही नहीं। टोनी रिमोट के जरिए शूट को चला रहा था। फिर टोनी बोलता है कि उसको सारे स्टोन्स की रीडिंग मिल गई है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट अर्जनेल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट अर्जनेल एक रोबोट रहता है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्व कर सकता है। थैनोस को और गुस्सा आता है और टोनी के पूरे ऑफिस को स्पेस में ले आता है और उसी टाइम वहाँ अर्जनेल भी आ जाता है। वो थैनोस की तरफ बढ़ता है। थैनोस एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पे अटैक करता है, लेकिन अर्जनेल उसके सारे पावर्स को एब्जॉर्व करते ही जाता है। आगे बढ़ के वो गॉन्गलेट निकाल लेता है। फिर क्या, सारे एवेंजर्स एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं और थैनोस हार जाता है, उसे गार्डियंस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एनिमेटेड सीरीज की कहानी थी जो हमने देखी थी, लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और ना ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो रोबोट है अर्जनाइल है वो कैप्टन मार्वल हो एंड गेम में। अब ये तो रियलिटी क्या है 26 को पता चलेगी या फिर 3 को। हमें आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे पहले कमांडो 3 आ चुकी है और जंगली भी आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू।
दोस्तों बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के फिल्मों का क्रेज भी हमारे बॉलीवुड में अब बहुत देखने को मिलता है और एवेंजर्स की सीरीज के डाई हार्ड फैन तो हर घर में मिलते हैं। उन फैंस में से एक मैं भी हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को और इंडिया में 3 मई को रिलीज हो रही है सभी एवेंजर्स का तोड़ यानी कि एंड गेम। तो मार्वल्स में अब तक का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हाइप हो रहा है वो है कैरेक्टर थैनोस का। एमसीयू में अभी तक टोटल जितनी भी मूवीज आई हैं वो लीड करती हैं थैनोस की तरफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या थैनोस को मार पाएंगे एवेंजर्स? थैनोस मरेगा या नहीं, और मरेगा तो कौन मारेगा? कि क्या ये होगा कि सारे एवेंजर्स मर जाएंगे थॉर को छोड़ के? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। एमसीयू के जो एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिला उस पर बात करते हैं। वैसे तो उस फिल्म में कुछ भी हो सकता है जो आने वाली है, लेकिन जानते हैं कि एवेंजर्स और थैनोस के बीच क्या हुआ था एनिमेटेड सीरीज में। तो जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थैनोस सभी को हरा कर सारे इन्फिनिटी गॉन्गलेंट अपने हाथ में ले लेता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है। आगे एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है जितने भी एवेंजर्स है धरती पे रह जाते हैं वो सारे थैनोस पर सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थैनोस फिर से वहाँ बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। धरती को बचाने के लिए सारे एवेंजर्स एक साथ थैनोस पे हमला करते हैं, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। फिर ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस को रोकना उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि स्टोन्स थैनोस के पास उनकी वजह से है, और फिर वो इनविजिबल होके थैनोस पे अटैक करती हैं और नाकामयाब रहती हैं। ब्लैक विडो और हल्क की कहानी तो सबको मालूम है। हल्क गुस्से में आ जाते हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं थैनोस पर उसका कोई असर नहीं होता और फिर से वो धरती पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन के पास एक आइडिया आता है और कहते हैं कि अगर थैनोस अपने स्टोन्स को अलग अलग यूज करे तो वो उसे संभाल लेंगे और एंड में उसे मार देंगे। तो सभी एक के बाद एवेंजर्स उन पे अटैक करते हैं जिनमें कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, फाल्कन, आयरन मैन, हल्क और थॉर शामिल होते हैं और उन पे लगातार अटैक करते हैं। थैनोस को काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एस्गार्डियन से है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद तुरंत थैनोस टाइम स्टोन को रिवर्स कर देता है जिससे सारे एवेंजर्स फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। जब सारे एवेंजर्स जिंदा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां आयरन मैन सबको बताता है कि थैनोस माइंड स्टोन का यूज कर रहा है। उसके बाद हल्क बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो बल्कि थैनोस की तरफ टारगेट करो। थैनोस पे हल्क अटैक करता है और वो फिर से बच जाता है, लेकिन हल्क का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता है। वो एक बार फिर से थैनोस पर हमला करता है, मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे एवेंजर्स धावा बोल देते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है थैनोस को कि वो हार रहा है तो स्पेस स्टोन का यूज करके टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सारे एवेंजर्स पे एक एक करके हमला करने लगता है, लेकिन हॉकाई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले फिल्म में देखी होगी कि जैसे ही पीछे से कोई हमला करता है ब्लैक विडो पे या हॉकाई पे तो वो उस पे हमला नहीं कर पाते क्योंकि हमला करने से पहले हॉकाई को और विडो को पता चल जाता है कि हाँ पीछे कोई है और हमला करने वाला है। पैटर्न का पता चल जाता है और वो थैनोस के अटैक करने से पहले उस पे अटैक करके उसे गिरा देता है और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा उस पर रख देता है और आयरन मैन गॉन्गलेट निकाल लेता है। थैनोस को पकड़कर शील्ड के हेडक्वार्टर लाया जाता है जहां निक को लगता है अब सब ठीक हो गया, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, रेड स्कल अभी भी आजाद घूम रहा है। निक फ्यूरी उसको रिकरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रेड स्कल ने सरेंडर कर लिया है। इस बात पर कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थैनोस पर अटैक कर देते हैं और बताते हैं कि थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा सब कुछ कर रहा है, वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख रहे हैं। उसके बाद फिर सारे मिलकर थैनोस पर हमला करने लगते हैं जिससे रियलिटी स्टोन टूट जाता है और सारे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से ये वॉर या जहां से ये फाइट शुरू हुई थी। आने के बाद थैनोस सब पे अपने अपने स्टोन्स यूज करता है और अटैक करता है जिसमें आयरन मैन मर जाता है, पर जैसे ही वो हेलमेट खोल के देखता है तो पता चलता है कि शूट के अंदर टोनी है ही नहीं। टोनी रिमोट के जरिए शूट को चला रहा था। फिर टोनी बोलता है कि उसको सारे स्टोन्स की रीडिंग मिल गई है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट अर्जेनेल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट
अर्जनेल एक रोबोट रहता है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्व कर सकता है। थैनोस को और गुस्सा आता है और टोनी के पूरे ऑफिस को स्पेस में ले आता है, और उसी टाइम वहाँ अर्जनेल भी आ जाता है। वो थैनोस की तरफ बढ़ता है। थैनोस एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पे अटैक करता है, लेकिन अर्जनेल उसके सारे पावर्स को एब्जॉर्व करते ही जाता है। आगे बढ़ के वो गोंगलिंग निकाल लेता है। फिर क्या, सारे एवेंजर्स एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं और थैनोस हार जाता है, उसे गार्डियंस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एनिमेटेड सीरीज की कहानी थी जो हमने देखी थी, लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और ना ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो रोबोट है अर्जनेल है वो कैप्टन मार्वल हो एंड गेम में। अब ये तो रियलिटी क्या है 26 को पता चलेगी या फिर 3 को। हमें आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे पहले कमांडो 3 आ चुकी है और जंगली भी आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू। दोस्तों, बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के फिल्मों का क्रेज भी हमारे बॉलीवुड में अब बहुत देखने को मिलता है, और एवेंजर्स की सीरीज के डाई हार्ड फैन तो हर घर में मिलते हैं। उन फैंस में से एक मैं भी हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को और इंडिया में 3 मई को रिलीज हो रही है सभी एवेंजर्स का तोड़, यानी कि एंड गेम। तो मार्वल्स में अब तक का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हाइप हो रहा है वो है कैरेक्टर थैनोस का। एमसीयू में अभी तक टोटल जितनी भी मूवीज आई हैं, वो लीड करती हैं थैनोस की तरफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या थैनोस को मार पाएंगे एवेंजर्स? थैनोस मरेगा या नहीं, और मरेगा तो कौन मारेगा? कि क्या ये होगा कि सारे एवेंजर्स मर जाएंगे थॉर को छोड़ के? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। एमसीयू के जो एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिला उस पर बात करते हैं। वैसे तो उस फिल्म में कुछ भी हो सकता है जो आने वाली है, लेकिन जानते हैं कि एवेंजर्स और थैनोस के बीच क्या हुआ था एनिमेटेड सीरीज में। तो जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थैनोस सभी को हराकर सारे इन्फिनिटी गोंगलेंट अपने हाथ में ले लेता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है। आगे एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है जितने भी एवेंजर्स है धरती पे रह जाते हैं वो सारे थैनोस पर सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थैनोस फिर से वहाँ बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। धरती को बचाने के लिए सारे एवेंजर्स एक साथ थैनोस पे हमला करते हैं, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। फिर ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस को रोकना उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि स्टोन्स थैनोस के पास उनकी वजह से है, और फिर वो इनविजिबल होके थैनोस पे अटैक करती हैं और नाकामयाब रहती हैं। ब्लैक विडो और हल्क की कहानी तो सबको मालूम है। हल्क गुस्से में आ जाती है और मुक्कों की बरसात कर देते हैं थैनोस पर उसका कोई असर नहीं होता और फिर से वो धरती पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन के पास एक आइडिया आता है और कहते हैं कि अगर थैनोस अपने स्टोन्स को अलग अलग यूज करे तो वो उसे संभाल लेंगे और एंड में उसे मार देंगे। तो सभी एक के बाद एवेंजर्स उन पे अटैक करते हैं, जिनमें कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, फाल्कन, आयरन मैन, हल्क और थॉर शामिल होते हैं और उन पे लगातार अटैक करते हैं। थैनोस को काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एस गार्जियन से है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद तुरंत थैनोस टाइम स्टोन को रिवर्स कर देता है जिससे सारे एवेंजर्स फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। जब सारे एवेंजर्स जिंदा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां आयरन मैन सबको बताता है कि थैनोस माइंड स्टोन का यूज कर रहा है। उसके बाद हल्क बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो बल्कि थैनोस की तरफ टारगेट करो। थैनोस पे हल्क अटैक करता है और वो फिर से बच जाता है, लेकिन हल्क का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता है। वो एक बार फिर से थैनोस पर हमला करता है, मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे एवेंजर्स धावा बोल देते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है थैनोस को कि वो हार रहा है, तो स्पेस स्टोन का यूज करके
टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सारे एवेंजर्स पे एक एक करके हमला करने लगता है, लेकिन हॉकाई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है। दोस्तों जैसा कि आपने पहले फिल्म में देखी होगी कि जैसे ही पीछे से कोई हमला करता है ब्लैक विडो पे या हॉकाई पे, तो वो उस पे हमला नहीं कर पाते, क्योंकि हमला करने से पहले हॉकाई को और विडो को पता चल जाता है कि हाँ पीछे कोई है और हमला करने वाला है। पैटर्न का पता चल जाता है और वो थैनोस के अटैक करने से पहले उस पे अटैक करके उसे गिरा देता है, और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा उस पर रख देता है और आयरन मैन गॉन्गलेट निकाल लेता है। थैनोस को पकड़कर शील्ड के हेडक्वार्टर लाया जाता है, जहां निक को लगता है अब सब ठीक हो गया, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, रेड स्कल अभी भी आजाद घूम रहा है। निक फ्यूरी उसको रिकरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रेड स्कल ने सरेंडर कर लिया है। इस बात पर कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थैनोस पर अटैक कर देते हैं और बताते हैं कि थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा सब कुछ कर रहा है, वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख रहे हैं। उसके बाद फिर सारे मिलकर थैनोस पर हमला करने लगते हैं, जिससे रियलिटी स्टोन टूट जाता है और सारे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से ये वॉर या जहां से ये फाइट शुरू हुई थी। आने के बाद थैनोस सब पे अपने अपने स्टोन्स यूज करता है और अटैक करता है, जिसमें आयरन मैन मर जाता है। पर जैसे ही वो हेलमेट खोल के देखता है तो पता चलता है कि शूट के अंदर टोनी है ही नहीं, टोनी रिमोट के जरिए शूट को चला रहा था। फिर टोनी बोलता है कि उसको सारे स्टोन्स की रीडिंग मिल गई है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट अर्जनेल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट अर्जनेल एक रोबोट रहता है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्व कर सकता है। थैनोस को और गुस्सा आता है और टोनी के पूरे ऑफिस को स्पेस में ले आता है, और उसी टाइम वहां अर्जनेल भी आ जाता है। वो थैनोस की तरफ बढ़ता है, थैनोस एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पे अटैक करता है, लेकिन अर्जनेल उसके सारे पावर्स को एब्जॉर्व करते ही जाता है। आगे बढ़ के वो गॉन्गलेट निकाल लेता है। फिर क्या, सारे एवेंजर्स एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं और थैनोस हार जाता है, उसे गार्डियंस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये एनिमेटेड सीरीज की कहानी थी जो हमने देखी थी, लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और ना ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो रोबोट है अर्जनाइल है वो कैप्टन मार्वल हो एंड गेम में। अब ये तो रियलिटी क्या है 26 को पता चलेगी या फिर 3 को। हमें आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे पहले कमांडो 3 आ चुकी है और जंगली भी आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू। दोस्तों बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के फिल्मों का क्रेज भी हमारे बॉलीवुड में अब बहुत देखने को मिलता है, और एवेंजर्स की सीरीज के डाई हार्ड फैन तो हर घर में मिलते हैं। उन फैंस में से एक मैं भी हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को और इंडिया में 3 मई को रिलीज हो रही है सभी एवेंजर्स का तोड़, यानी कि एंड गेम। तो मार्वल्स में अब तक का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हाइप हो रहा है वो है कैरेक्टर थैनोस का। एमसीयू में अभी तक टोटल जितनी भी मूवीज आई हैं, वो लीड करती हैं थैनोस की तरफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या थैनोस को मार पाएंगे एवेंजर्स? थैनोस मरेगा या नहीं, और मरेगा तो कौन मारेगा? कि क्या ये होगा कि सारे एवेंजर्स मर जाएंगे थॉर को छोड़ के? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों आपके मन में फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। एमसीयू के जो एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिला उस पर बात करते हैं। वैसे तो उस फिल्म में कुछ भी हो सकता है जो आने वाली है, लेकिन जानते हैं कि एवेंजर्स और थैनोस के बीच क्या हुआ था एनिमेटेड सीरीज में। तो जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थैनोस सभी को हरा कर सारे इन्फिनिटी गॉन्गलेट अपने हाथ में ले लेता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है। आगे एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है जितने भी एवेंजर्स है धरती पे रह जाते हैं, वो सारे थैनोस पर सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थैनोस फिर से वहां बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। धरती को बचाने के लिए सारे एवेंजर्स एक साथ थैनोस पे हमला करते हैं, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। फिर ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस को रोकना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टोन्स थैनोस के पास उनकी वजह से है, और फिर वो इनविजिबल होके थैनोस पे अटैक करती हैं और नाकामयाब रहती हैं। ब्लैक विडो और हल्क की कहानी तो सबको मालूम है,
हल्क गुस्से में आ जाते हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं थैनोस पर उसका कोई असर नहीं होता और फिर से वो धरती पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन के पास एक आइडिया आता है और कहते हैं कि अगर थैनोस अपने स्टोन्स को अलग अलग यूज करे तो वो उसे संभाल लेंगे और एंड में उसे मार देंगे। तो सभी एक के बाद एवेंजर्स उनपे अटैक करते हैं जिनमें कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, फाल्कन, आयरन मैन, हल्क और थॉर शामिल होते हैं और उनपे लगातार अटैक करते हैं। थैनोस को काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एस्गार्डियन से है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद तुरंत थैनोस टाइम स्टोन को रिवर्स कर देता है जिससे सारे एवेंजर्स फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। जब सारे एवेंजर्स जिंदा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां आयरन मैन सबको बताता है कि थैनोस माइंड स्टोन का यूज कर रहा है। उसके बाद हल्क बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो बल्कि थैनोस की तरफ टारगेट करो। थैनोस पे हल्क अटैक करता है और वो फिर से बच जाता है, लेकिन हल्क का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता है। वो एक बार फिर से थैनोस पर हमला करता है, मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे एवेंजर्स धावा बोल देते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है थैनोस को कि वो हार रहा है तो स्पेस स्टोन का यूज करके टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सारे एवेंजर्स पे एक एक करके हमला करने लगता है, लेकिन हॉकाई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है। दोस्तों जैसा कि आपने पहले फिल्म में देखी होगी कि जैसे ही पीछे से कोई हमला करता है ब्लैक विडो पे या हॉकाई पे तो वो उस पे हमला नहीं कर पाते क्योंकि हमला करने से पहले ही हॉकाई को और विडो को पता चल जाता है कि हाँ पीछे कोई है और हमला करने वाला है। पैटर्न का पता चल जाता है और वो थैनोस के अटैक करने से पहले उस पे अटैक करके उसे गिरा देता है और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा उस पर रख देता है और आयरन मैन गॉन्गलेट निकाल लेता है। थैनोस को पकड़कर शील्ड के हेडक्वार्टर लाया जाता है जहां निक को लगता है अब सब ठीक हो गया, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, रेड स्कल अभी भी आजाद घूम रहा है। निक फ्यूरी उसको रिकरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रेड स्कल ने सरेंडर कर लिया है। इस बात पर कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थैनोस पर अटैक कर देते हैं और बताता है कि थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा सब कुछ कर रहा है, वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख रहे हैं। उसके बाद फिर सारे मिलकर थैनोस पर हमला करने लगते हैं जिससे रियलिटी स्टोन टूट जाता है और सारे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से ये वॉर या जहां से ये फाइट शुरू हुई थी। आने के बाद थैनोस सब पे अपने अपने स्टोन्स यूज करता है और अटैक करता है जिसमें आयरन मैन मर जाता है। पर जैसे ही वो हेलमेट खोल के देखता है तो पता चलता है कि शूट के अंदर टोनी है ही नहीं, टोनी रिमोट के जरिए शूट को चला रहा था। फिर टोनी बोलता है कि उसको सारे स्टोन्स की रीडिंग मिल गई है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट अर्जनेल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट अर्जनेल एक रोबोट रहता है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्व कर सकता है। थैनोस को और गुस्सा आता है और टोनी के पूरे ऑफिस को स्पेस में ले आता है और उसी टाइम वहाँ अर्जनेल भी आ जाता है। वो थैनोस की तरफ बढ़ता है, थैनोस एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पे अटैक करता है, लेकिन अर्जनेल उसके सारे पावर्स को एब्जॉर्व करते ही जाता है। आगे बढ़ के वो गोंगलिंग निकाल लेता है। फिर क्या, सारे एवेंजर्स एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं और थैनोस हार जाता है, उसे गार्डियंस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये एनिमेटेड सीरीज की कहानी थी जो हमने देखी थी, लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और ना ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो रोबोट है अर्जनाइल है वो कैप्टन मार्वल हो एंड गेम में। अब ये तो रियलिटी क्या है 26 को पता चलेगी या फिर 3 को हमें। आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे पहले कमांडो 3 आ चुकी है और जंगली भी आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू। दोस्तों बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के फिल्मों का क्रेज भी हमारे बॉलीवुड में अब बहुत देखने को मिलता है और एवेंजर्स की सीरीज के डाई हार्ड फैन तो हर घर में मिलते हैं, उन फैंस में से एक मैं भी हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को और इंडिया में 3 मई को रिलीज हो रही है सभी एवेंजर्स का तोड़ यानी कि एंड गेम। तो मार्वल्स में अब तक का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हाइप हो रहा है वो है कैरेक्टर थैनोस का। एमसीयू में अभी तक टोटल जितनी भी मूवीज आई हैं वो लीड करती हैं थैनोस की तरफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या थैनोस को मार पाएंगे एवेंजर्स,
थैनोस मरेगा या नहीं, और मरेगा तो कौन मारेगा, कि क्या ये होगा कि सारे एवेंजर्स मर जाएंगे थॉर को छोड़ के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। एमसीयू के जो एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिला उस पर बात करते हैं। वैसे तो उस फिल्म में कुछ भी हो सकता है जो आने वाली है, लेकिन जानते हैं कि एवेंजर्स और थैनोस के बीच क्या हुआ था एनिमेटेड सीरीज में। तो जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थैनोस सभी को हरा कर सारे इन्फिनिटी गॉन्गलेंट अपने हाथ में ले लेता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है। आगे एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है जितने भी एवेंजर्स है धरती पे रह जाते हैं, वो सारे थैनोस पर सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थैनोस फिर से वहाँ बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। धरती को बचाने के लिए सारे एवेंजर्स एक साथ थैनोस पे हमला करते हैं, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। फिर ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस को रोकना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टोन्स थैनोस के पास उनकी वजह से है, और फिर वो इनविजिबल होके थैनोस पे अटैक करती हैं और नाकामयाब रहती हैं। ब्लैक विडो और हल्क की कहानी तो सबको मालूम है। हल्क गुस्से में आ जाते हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं थैनोस पर उसका कोई असर नहीं होता और फिर से वो धरती पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन के पास एक आइडिया आता है और कहते हैं कि अगर थैनोस अपने स्टोन्स को अलग अलग यूज करे तो वो उसे संभाल लेंगे और एंड में उसे मार देंगे। तो सभी एक के बाद एवेंजर्स उन पे अटैक करते हैं, जिनमें कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, फाल्कन, आयरन मैन, हल्क और थॉर शामिल होते हैं और उन पे लगातार अटैक करते हैं। थैनोस को काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है, जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एस्गार्डियन से है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है, जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद तुरंत थैनोस टाइम स्टोन को रिवर्स कर देता है, जिससे सारे एवेंजर्स फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। जब सारे एवेंजर्स जिंदा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां आयरन मैन सबको बताता है कि थैनोस माइंड स्टोन का यूज कर रहा है। उसके बाद हल्क बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो, बल्कि थैनोस की तरफ टारगेट करो। थैनोस पे हल्क अटैक करता है और वो फिर से बच जाता है, लेकिन हल्क का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता है। वो एक बार फिर से थैनोस पर हमला करता है, मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे एवेंजर्स धावा बोल देते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है थैनोस को कि वो हार रहा है, तो स्पेस स्टोन का यूज करके टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सारे एवेंजर्स पे एक एक करके हमला करने लगता है, लेकिन हॉकाई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले फिल्म में देखी होगी कि जैसे ही पीछे से कोई हमला करता है ब्लैक विडो पे या हॉकाई पे, तो वो उस पे हमला नहीं कर पाते, क्योंकि हमला करने से पहले हॉकाई को और विडो को पता चल जाता है कि हाँ, पीछे कोई है और हमला करने वाला है। पैटर्न का पता चल जाता है और वो थैनोस के अटैक करने से पहले उस पे अटैक करके उसे गिरा देता है, और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा उस पर रख देता है और आयरन मैन गॉन्गलेट निकाल लेता है। थैनोस को पकड़कर शील्ड के हेडक्वार्टर लाया जाता है, जहां निक को लगता है अब सब ठीक हो गया, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, रेड स्कल अभी भी आजाद घूम रहा है। निक फ्यूरी उसको रिकरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रेड स्कल ने सरेंडर कर लिया है। इस बात पर कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थैनोस पर अटैक कर देते हैं और बताते हैं कि थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा सब कुछ कर रहा है, वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख रहे हैं। उसके बाद फिर सारे मिलकर थैनोस पर हमला करने लगते हैं, जिससे रियलिटी स्टोन टूट जाता है और सारे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से ये वॉर या जहां से ये फाइट शुरू हुई थी। आने के बाद थैनोस सब पे अपने अपने स्टोन्स यूज करता है और अटैक करता है, जिसमें आयरन मैन मर जाता है। पर जैसे ही वो हेलमेट खोल के देखता है तो पता चलता है कि शूट के अंदर टोनी है ही नहीं, टोनी रिमोट के जरिए शूट को चला रहा था। फिर टोनी बोलता है कि उसको सारे स्टोन्स की रीडिंग मिल गई है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट अर्जनेल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट अर्जनेल एक रोबोट रहता है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्व कर सकता है। थैनोस को और गुस्सा आता है और टोनी के पूरे ऑफिस को स्पेस में ले आता है, और उसी टाइम वहाँ अर्जनेल भी आ जाता है। वो थैनोस की तरफ बढ़ता है, थैनोस एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पे अटैक करता है, लेकिन अर्जनेल उसके सारे पावर्स को एब्जॉर्व करते ही जाता है। आगे बढ़ के वो गॉन्गलेंट निकाल लेता है। फिर क्या, सारे एवेंजर्स एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं और थैनोस हार जाता है, उसे गार्डियंस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एनिमेटेड सीरीज की कहानी थी जो हमने देखी थी,
लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और ना ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो रोबोट है अर्जेनाइल है वो कैप्टन मार्वल हो एंड गेम में। अब ये तो रियलिटी क्या है 26 को पता चलेगी या फिर 3 को। हमें आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे पहले कमांडो 3 आ चुकी है और जंगली भी आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू। दोस्तों बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के फिल्मों का क्रेज भी हमारे बॉलीवुड में अब बहुत देखने को मिलता है और एवेंजर्स की सीरीज के डाई हार्ड फैन तो हर घर में मिलते हैं। उन फैंस में से एक मैं भी हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को और इंडिया में 3 मई को रिलीज हो रही है सभी एवेंजर्स का तोड़ यानी कि एंड गेम। तो मार्वल्स में अब तक का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हाइप हो रहा है वो है कैरेक्टर थैनोस का। एमसीयू में अभी तक टोटल जितनी भी मूवीज आई हैं, वो लीड करती हैं थैनोस की तरफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या थैनोस को मार पाएंगे एवेंजर्स? थैनोस मरेगा या नहीं, और मरेगा तो कौन मारेगा? कि क्या ये होगा कि सारे एवेंजर्स मर जाएंगे थॉर को छोड़ के? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों आपके मन में फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। एमसीयू के जो एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिला उस पर बात करते हैं। वैसे तो उस फिल्म में कुछ भी हो सकता है जो आने वाली है, लेकिन जानते हैं कि एवेंजर्स और थैनोस के बीच क्या हुआ था एनिमेटेड सीरीज में। तो जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थैनोस सभी को हराकर सारे इन्फिनिटी गॉन्गलेंट अपने हाथ में ले लेता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है। आगे एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है जितने भी एवेंजर्स है धरती पे रह जाते हैं वो सारे थैनोस पर सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थैनोस फिर से वहाँ बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। धरती को बचाने के लिए सारे एवेंजर्स एक साथ थैनोस पे हमला करते हैं, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। फिर ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस को रोकना उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि स्टोन्स थैनोस के पास उनकी वजह से है, और फिर वो इनविजिबल होके थैनोस पे अटैक करती हैं और नाकामयाब रहती हैं। ब्लैक विडो और हल्क की कहानी तो सबको मालूम है। हल्क गुस्से में आ जाती हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं थैनोस पर उसका कोई असर नहीं होता और फिर से वो धरती पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन के पास एक आइडिया आता है और कहते हैं कि अगर थैनोस अपने स्टोन्स को अलग अलग यूज करे तो वो उसे संभाल लेंगे और एंड में उसे मार देंगे। तो सभी एक के बाद एवेंजर्स उन पे अटैक करते हैं जिनमें कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, फाल्कन, आयरन मैन, हल्क और थॉर शामिल होते हैं और उन पे लगातार अटैक करते हैं। थैनोस को काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एस गार्जियन से है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद तुरंत थैनोस टाइम स्टोन को रिवर्स कर देता है जिससे सारे एवेंजर्स फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। जब सारे एवेंजर्स जिंदा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां आयरन मैन सबको बताता है कि थैनोस माइंड स्टोन का यूज कर रहा है। उसके बाद हल्क बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो बल्कि थैनोस की तरफ टारगेट करो। थैनोस पे हल्क अटैक करता है और वो फिर से बच जाता है, लेकिन हल्क का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता है। वो एक बार फिर से थैनोस पर हमला करता है, मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे एवेंजर्स धावा बोल देते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है थैनोस को कि वो हार रहा है तो स्पेस स्टोन का यूज करके टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सारे एवेंजर्स पे एक एक करके हमला करने लगता है, लेकिन हॉकाई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है। दोस्तों जैसा कि आपने पहले फिल्म में देखी होगी कि जैसे ही पीछे से कोई हमला करता है ब्लैक विडो पे या हॉकाई पे तो वो उस पे हमला नहीं कर पाते क्योंकि हमला करने से पहले हॉकाई को और विडो को पता चल जाता है कि हाँ पीछे कोई है और हमला करने वाला है। पैटर्न का पता चल जाता है और वो थैनोस के अटैक करने से पहले उस पे अटैक करके उसे गिरा देता है और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा उस पर रख देता है और आयरन मैन गॉन्गलेट निकाल लेता है। थैनोस को पकड़कर शील्ड के हेडक्वार्टर लाया जाता है जहां निक को लगता है अब सब ठीक हो गया, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, रेड स्कल अभी भी आजाद घूम रहा है।
निक फ्यूरी उसको रिकरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रेड स्कल ने सरेंडर कर लिया है। इस बात पर कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थैनोस पर अटैक कर देते हैं और बताते हैं कि थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा सब कुछ कर रहा है, वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख रहे हैं। उसके बाद फिर सारे मिलकर थैनोस पर हमला करने लगते हैं जिससे रियलिटी स्टोन टूट जाता है और सारे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से ये वॉर या जहां से ये फाइट शुरू हुई थी। आने के बाद थैनोस सब पे अपने अपने स्टोन्स यूज करता है और अटैक करता है जिसमें आयरन मैन मर जाता है। पर जैसे ही वो हेलमेट खोल के देखता है तो पता चलता है कि शूट के अंदर टोनी है ही नहीं। टोनी रिमोट के जरिए शूट को चला रहा था। फिर टोनी बोलता है कि उसको सारे स्टोन्स की रीडिंग मिल गई है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट अर्जनेल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट अर्जनेल एक रोबोट रहता है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्व कर सकता है। थैनोस को और गुस्सा आता है और टोनी के पूरे ऑफिस को स्पेस में ले आता है और उसी टाइम वहां अर्जनेल भी आ जाता है। वो थैनोस की तरफ बढ़ता है। थैनोस एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पे अटैक करता है लेकिन अर्जनेल उसके सारे पावर्स को एब्जॉर्व करते ही जाता है। आगे बढ़ के वो गोंगलिंग निकाल लेता है। फिर क्या, सारे एवेंजर्स एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं और थैनोस हार जाता है, उसे गार्डियंस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एनिमेटेड सीरीज की कहानी थी जो हमने देखी थी, लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और ना ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो रोबोट है अर्जनेल है वो कैप्टन मार्वल हो एंड गेम में। अब ये तो रियलिटी क्या है 26 को पता चलेगी या फिर 3 को। हमें आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे पहले कमांडो 3 आ चुकी है और जंगली भी आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू। दोस्तों, बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के फिल्मों का क्रेज भी हमारे बॉलीवुड में अब बहुत देखने को मिलता है और एवेंजर्स की सीरीज के डाई हार्ड फैन तो हर घर में मिलते हैं। उन फैंस में से एक मैं भी हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को और इंडिया में 3 मई को रिलीज हो रही है सभी एवेंजर्स का तोड़ यानी कि एंड गेम। तो मार्वल्स में अब तक का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हाइप हो रहा है वो है कैरेक्टर थैनोस का। एमसीयू में अभी तक टोटल जितनी भी मूवीज आई हैं वो लीड करती हैं थैनोस की तरफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या थैनोस को मार पाएंगे एवेंजर्स? थैनोस मरेगा या नहीं, और मरेगा तो कौन मारेगा? कि क्या ये होगा कि सारे एवेंजर्स मर जाएंगे थॉर को छोड़ के? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। एमसीयू के जो एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिला उस पर बात करते हैं। वैसे तो उस फिल्म में कुछ भी हो सकता है जो आने वाली है, लेकिन जानते हैं कि एवेंजर्स और थैनोस के बीच क्या हुआ था एनिमेटेड सीरीज में। तो जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थैनोस सभी को हरा कर सारे इन्फिनिटी गॉन्गलेंट अपने हाथ में ले लेता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है। आगे एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है जितने भी एवेंजर्स है धरती पे रह जाते हैं वो सारे थैनोस पर सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थैनोस फिर से वहाँ बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। धरती को बचाने के लिए सारे एवेंजर्स एक साथ थैनोस पे हमला करते हैं लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। फिर ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस को रोकना उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि स्टोन्स थैनोस के पास उनकी वजह से है, और फिर वो इनविजिबल होके थैनोस पे अटैक करती हैं और नाकामयाब रहती हैं। ब्लैक विडो और हल्क की कहानी तो सबको मालूम है। हल्क गुस्से में आ जाती हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं थैनोस पर उसका कोई असर नहीं होता और फिर से वो धरती पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन के पास एक आइडिया आता है और कहते हैं कि अगर थैनोस अपने स्टोन्स को अलग अलग यूज करे तो वो उसे संभाल लेंगे और एंड में उसे मार देंगे। तो सभी एक के बाद एवेंजर्स उन पे अटैक करते हैं जिनमें कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, फाल्कन, आयरन मैन, हल्क और थॉर शामिल होते हैं और उन पे लगातार अटैक करते हैं। थैनोस को काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एस्गार्डियन से है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा होने लगता है।
उसके बाद तुरंत थानोस टाइम स्टोन को रिवर्स कर देता है, जिससे सारे एवेंजर्स फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। जब सारे एवेंजर्स जिंदा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां आयरन मैन सबको बताता है कि थानोस माइंड स्टोन का यूज कर रहा है। उसके बाद हल्क बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो, बल्कि थानोस की तरफ टारगेट करो। थानोस पे हल्क अटैक करता है और वो फिर से बच जाता है, लेकिन हल्क का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता है। वो एक बार फिर से थानोस पर हमला करता है, मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे एवेंजर्स धावा बोल देते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है थानोस को कि वो हार रहा है, तो स्पेस स्टोन का यूज करके टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सारे एवेंजर्स पे एक एक करके हमला करने लगता है, लेकिन हॉकाई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले फिल्म में देखी होगी कि जैसे ही पीछे से कोई हमला करता है ब्लैक विडो पे या हॉकाई पे, तो वो उस पे हमला नहीं कर पाते, क्योंकि हमला करने से पहले ही हॉकाई को और विडो को पता चल जाता है कि हाँ, पीछे कोई है और हमला करने वाला है। पैटर्न का पता चल जाता है और वो थानोस के अटैक करने से पहले उस पे अटैक करके उसे गिरा देता है, और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा उस पर रख देता है और आयरन मैन गॉन्गलेट निकाल लेता है। थानोस को पकड़कर शील्ड के हेडक्वार्टर लाया जाता है, जहां निक को लगता है अब सब ठीक हो गया, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, रेड स्कल अभी भी आजाद घूम रहा है। निक फ्यूरी उसको रिकरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रेड स्कल ने सरेंडर कर लिया है। इस बात पर कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थानोस पर अटैक कर देते हैं और बताता है कि थानोस रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा सब कुछ कर रहा है। वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख रहे हैं। उसके बाद फिर सारे मिलकर थानोस पर हमला करने लगते हैं, जिससे रियलिटी स्टोन टूट जाता है और सारे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से ये वॉर या जहां से ये फाइट शुरू हुई थी। आने के बाद थानोस सब पे अपने अपने स्टोन्स यूज करता है और अटैक करता है, जिसमें आयरन मैन मर जाता है। पर जैसे ही वो हेलमेट खोल के देखता है तो पता चलता है कि शूट के अंदर टोनी है ही नहीं। टोनी रिमोट के जरिए शूट को चला रहा था। फिर टोनी बोलता है कि उसको सारे स्टोन्स की रीडिंग मिल गई है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट अर्जनेल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट अर्जनेल एक रोबोट रहता है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्व कर सकता है। थानोस को और गुस्सा आता है और टोनी के पूरे ऑफिस को स्पेस में ले आता है, और उसी टाइम वहाँ अर्जनेल भी आ जाता है। वो थानोस की तरफ बढ़ता है। थानोस एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पे अटैक करता है, लेकिन अर्जनेल उसके सारे पावर्स को एब्जॉर्व करते ही जाता है। आगे बढ़ के वो गॉन्गलेट निकाल लेता है। फिर क्या, सारे एवेंजर्स एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं और थानोस हार जाता है, उसे गार्डियंस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एनिमेटेड सीरीज की कहानी थी जो हमने देखी थी, लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और ना ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो रोबोट है अर्जनाइल है, वो कैप्टन मार्वल हो एंड गेम में। अब ये तो रियलिटी क्या है 26 को पता चलेगी या फिर 3 को। हमें आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे पहले कमांडो 3 आ चुकी है और जंगली भी आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू। दोस्तों, बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के फिल्मों का क्रेज भी हमारे बॉलीवुड में अब बहुत देखने को मिलता है, और एवेंजर्स की सीरीज के डाई हार्ड फैन तो हर घर में मिलते हैं। उन फैंस में से एक मैं भी हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को और इंडिया में 3 मई को रिलीज हो रही है सभी एवेंजर्स का तोड़, यानी कि एंड गेम। तो मार्वल्स में अब तक का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हाइप हो रहा है वो है कैरेक्टर थानोस का। एमसीयू में अभी तक टोटल जितनी भी मूवीज आई हैं वो लीड करती हैं थानोस की तरफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या थानोस को मार पाएंगे एवेंजर्स? थानोस मरेगा या नहीं, और मरेगा तो कौन मारेगा? कि क्या ये होगा कि सारे एवेंजर्स मर जाएंगे थॉर को छोड़ के? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। एमसीयू के जो एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिला उस पर बात करते हैं। वैसे तो उस फिल्म में कुछ भी हो सकता है जो आने वाली है, लेकिन जानते हैं कि एवेंजर्स और थानोस के बीच क्या हुआ था एनिमेटेड सीरीज में। तो जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थानोस सभी को हरा कर सारे इन्फिनिटी गॉन्गलेंट अपने हाथ में ले लेता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है। आगे एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है जितने भी एवेंजर्स है धरती पे रह जाते हैं वो सारे थानोस पर सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थानोस
फिर से वहाँ बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। धरती को बचाने के लिए सारे एवेंजर्स एक साथ थैनोस पे हमला करते हैं, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। फिर ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस को रोकना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टोन्स थैनोस के पास उनकी वजह से है। और फिर वो इनविजिबल होके थैनोस पे अटैक करती हैं और नाकामयाब रहती हैं। ब्लैक विडो और हल्क की कहानी तो सबको मालूम है। हल्क गुस्से में आ जाते हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं थैनोस पर उसका कोई असर नहीं होता और फिर से वो धरती पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन के पास एक आइडिया आता है और कहते हैं कि अगर थैनोस अपने स्टोन्स को अलग अलग यूज करे तो वो उसे संभाल लेंगे और एंड में उसे मार देंगे। तो सभी एक के बाद एवेंजर्स उन पे अटैक करते हैं, जिनमें कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, फाल्कन, आयरन मैन, हल्क और थॉर शामिल होते हैं और उन पे लगातार अटैक करते हैं। थैनोस को काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है, जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एस्गार्डियन से है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है, जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद तुरंत थैनोस टाइम स्टोन को रिवर्स कर देता है, जिससे सारे एवेंजर्स फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। जब सारे एवेंजर्स जिंदा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां आयरन मैन सबको बताता है कि थैनोस माइंड स्टोन का यूज कर रहा है। उसके बाद हल्क बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो, बल्कि थैनोस की तरफ टारगेट करो। थैनोस पे हल्क अटैक करता है और वो फिर से बच जाता है, लेकिन हल्क का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता है। वो एक बार फिर से थैनोस पर हमला करता है, मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे एवेंजर्स धावा बोल देते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है थैनोस को कि वो हार रहा है, तो स्पेस स्टोन का यूज करके टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सारे एवेंजर्स पे एक एक करके हमला करने लगता है, लेकिन हॉकाई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले फिल्म में देखी होगी कि जैसे ही पीछे से कोई हमला करता है ब्लैक विडो पे या हॉकाई पे, तो वो उस पे हमला नहीं कर पाते, क्योंकि हमला करने से पहले हॉकाई को और विडो को पता चल जाता है कि हाँ, पीछे कोई है और हमला करने वाला है। पैटर्न का पता चल जाता है और वो थैनोस के अटैक करने से पहले उस पे अटैक करके उसे गिरा देता है, और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा उस पर रख देता है और आयरन मैन गॉन्गलेट निकाल लेता है। थैनोस को पकड़कर शील्ड के हेडक्वार्टर लाया जाता है, जहां निक को लगता है अब सब ठीक हो गया, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, रेड स्कल अभी भी आजाद घूम रहा है। निक फ्यूरी उसको रिकरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रेड स्कल ने सरेंडर कर लिया है। इस बात पर कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थैनोस पर अटैक कर देते हैं और बताते हैं कि थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा सब कुछ कर रहा है, वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख रहे हैं। उसके बाद फिर सारे मिलकर थैनोस पर हमला करने लगते हैं, जिससे रियलिटी स्टोन टूट जाता है और सारे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से ये वॉर या जहां से ये फाइट शुरू हुई थी। आने के बाद थैनोस सब पे अपने अपने स्टोन्स यूज करता है और अटैक करता है, जिसमें आयरन मैन मर जाता है। पर जैसे ही वो हेलमेट खोल के देखता है तो पता चलता है कि शूट के अंदर टोनी है ही नहीं। टोनी रिमोट के जरिए शूट को चला रहा था। फिर टोनी बोलता है कि उसको सारे स्टोन्स की रीडिंग मिल गई है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट अर्जनेल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट अर्जनेल एक रोबोट रहता है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्व कर सकता है। थैनोस को और गुस्सा आता है और टोनी के पूरे ऑफिस को स्पेस में ले आता है, और उसी टाइम वहाँ अर्जनेल भी आ जाता है। वो थैनोस की तरफ बढ़ता है। थैनोस एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पे अटैक करता है, लेकिन अर्जनेल उसके सारे पावर्स को एब्जॉर्व करते ही जाता है। आगे बढ़ के वो गॉन्गलेट निकाल लेता है। फिर क्या, सारे एवेंजर्स एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं और थैनोस हार जाता है, उसे गार्डियंस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एनिमेटेड सीरीज की कहानी थी जो हमने देखी थी, लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और ना ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो रोबोट है अर्जनाइल है, वो कैप्टन मार्वल हो एंड गेम में। अब ये तो रियलिटी क्या है 26 को पता चलेगी या फिर 3 को। हमें आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे पहले कमांडो 3 आ चुकी है और जंगली भी आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू। कैसे मरेगा थैनोस एवेंजर्स एंड गेम में?
कौन सी बातें हैं एवेंजर्स एंड गेम से जुड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एवेंजर्स शुरू होता है ए से और अप्रैल भी ए से, तो शायद इसी वजह से फिल्म को अप्रैल में रिलीज किया जाएगा। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फैंस को बेहद पसंद आई थी, जिसमें लास्ट में थेनोस ने 50% जीवित प्राणियों को खत्म कर दिया था। थेनोस को 6 में से 5 इन्फिनिटी स्टोन्स मिल गए थे। अब जब एवेंजर्स एंड गेम अप्रैल में आने वाली है, तो देखना ये है कि जीत किसकी होती है, थेनोस की या फिर एवेंजर्स की। मतलब दोस्तों, एक स्टोन और थेनोस के पास और पूरी दुनिया खत्म। जहां एवेंजर्स एंड गेम का ट्रेलर रिलीज किया गया, तो चलिए जानते हैं उसी से रिलेटेड कुछ मजेदार बातें। सबसे पहले तो फिल्म का जो नाम रखा गया है वो है एवेंजर्स एंड गेम। उसका डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में जिक्र किया था। ट्रेलर में दिखाया गया है कि टोनी स्टार्क उफ आयरन मैन और नाबुला दोनों ही स्पेस में ऐसी जगह पर है जहां ना तो पानी बचा है, ना ही खाना और ना ही हवा। ट्रेलर में हॉकआई उर्फ क्लिंट बॉर्टन एक जैपनीज यकुजा के साथ नजर आ रहे हैं, जो कि एक निंजा का लुक दर्शा रहा है। इन्फिनिटी वॉर में ये कैरेक्टर मिसिंग था और अब ये रोनिन नाम के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिसका आज तक जिक्र सिर्फ मार्वल की कॉमिक्स में ही हुआ है। ट्रेलर में कैप्टन अमेरिका अपने पुराने सूट में नजर आ रहे हैं, जिससे ये झलकता है कि या तो वो पास्ट में है या फिर पास्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रेलर के अंत में एंटमैन को दिखाया गया है, जो कि एक वैन के साथ खड़ा है, और माना जा सकता है कि वो वैन एक टाइम मशीन है और उसे एक वैन की मदद से ही थेनोस को मारा जा सकता है, क्योंकि एंटमैन तो धूल हो गया था इन्फिनिटी वॉर में। जिस तरह से अंत में अल्फाबेट एक जुड़ता हुआ नजर आता है, तो वो इस चीज का प्रतीक हो सकता है कि इन्फिनिटी वॉर में जो एवेंजर्स धूल में तब्दील हो गए थे, वो वापस लौट आएंगे और अंत में खात्मा थेनोस का ही होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देख लिया है, तो आप मुझे बताइए कि फिल्म का ट्रेलर आपको कैसा लगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। There was an idea to bring together a group of remarkable peoples to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. Dread it, run from it. Destiny still arrives all the same. Well, hello everyone, I'm glad you grow this side and you're watching Bolga Studios. Let's get started. Destiny aa chuki hai. जिस चीज का हम सबको इंतजार था वो आज आ चुकी है, एवेंजर्स एंड गेम का ट्रेलर परसों रिलीज हो चुका था, पर आज ट्रेलर सारे रिकॉर्ड से तोड़ चुका है। जी हाँ, आज एक मैगजीन भी लॉन्च हुई, जिस मैगजीन कवर में एवेंजर्स और थानोस की फोटो थी। एवेंजर्स एंड गेम, जिसे कुछ करीब लोग इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2 भी बोलते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन है ये? Avengers Endgame. आज दो मैगजीन लॉन्चेस के कवर में Avengers की फोटो। पहले कवर में हमें देखे टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स, ब्लैक विडो, नताशा आलिया रोमनो। अच्छा, लेट्स कंटिन्यू। क्लिंट बार्टन हॉकआई और मार्क रफलो एज हल्क। हमें सारे 6 एवेंजर्स दिखे। एक्चुअली मैं क्रिस हेम्सवर्थ को भूल गया, थॉर प्ले कर और अदर जान लोग। और सेकंड कवर में हमें इकलौते दिखे जॉर्ज बर्लिन थानोस के रोल में हुए अपने फुल आर्मर के साथ। जिस चीज का हमें इन्फिनिटी वॉर से इंतजार था, आर्मर, थानोस का आर्मर कहाँ है वो मैं आखिरकार देख चुका है। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, उसमें उनका हाथ भी वापस ठीक हो चुका था। मतलब थानोस का हाथ, आपको बताओ, स्नैप के बाद हाथ डैमेज हो गया था, बट इस पोस्टर में, मतलब इस मैगजीन कवर में, वो हाथ वापस सही हो चुका है। वेल, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या अब क्वेश्चन ये है कि मूवी में हमें थानोस वापस आर्मर में दिखेगा? क्या हम वापस से उसे उसके पूरे हाथ सही हाथ में देख पाएंगे? और वेल, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब बहुत ज़्यादा समय हो चुका है इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम के बीच में, तो अब तक थानोस ने गॉन्टलेट चलाना भी ढंग से सीख लिया, तो
एवेंजर्स जीतेंगे कैसे? ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इस ट्रेलर ने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया बल्कि और सारे क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं, और आंसर सिर्फ एक है, एंड गेम जो आ रही है 26 अप्रैल को। आप लोग मुझे बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं एंड गेम के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा हूँ और अब तक ये ट्रेलर में बिलियंस बार देख चुका हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, पीस आउट। एंड गेम को देखने से पहले वो क्या बातें हैं जो हमारे जहन में होनी जरूरी हैं? गेम ऑफ थ्रोन्स और एवेंजर्स एंड गेम के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, और इस फिल्म को सदी की सबसे बड़ी फिल्म क्यों माना जा रहा है? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हुसानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों बस कुछ ही दिन और हमारे सामने पर्दे पर होगी दास्तान एवेंजर्स, उन महान लोगों की कहानी जिन्होंने हमें हंसाया, रुलाया, प्यार करना सिखाया और हर एक फिल्म के साथ हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा होते चले। और अब इस सीरीज की आखिरी फिल्म एवेंजर्स एंड गेम रिलीज होने वाली है। ये फिल्म महज एक फिल्म नहीं है, ये एक इमोशन है और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलिए आज हम आपको कुछ बातें बताने वाले हैं जो आपको इस फिल्म को देखने से पहले, देखते वक्त और देखने के बाद जहन में रखनी जरूरी है। तो शुरू करते हैं कि फिल्म देखने से पहले क्या बातें हमें याद होनी जरूरी है। सबसे पहली बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सीरीज की एक भी फिल्म नहीं देखी है, उनको गिरी हुई निगाहों से ना देखें, उनके ख्यालों को समझे, मतलब सोच अलग होती है, पसंद अलग होती है लोगों की, लेकिन ऐसे में आपको उन लोगों को समझाना जरूरी है और उनको इस सभ्य समाज का हिस्सा बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास इस सीरीज की कोई और पुरानी फिल्में पड़ी हुई हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों को बैठाएं और ये फिल्में दिखाएं। नंबर टू, ये फेक फैन थ्योरीज ना बनाएं, क्योंकि इस तरह की फैन थ्योरी से लोगों का बीपी बढ़ता है और साथ में थानोस की पावर भी बढ़ती है। नंबर थ्री, अगर कोई टोनी स्टार्क का नाम लेने के बाद सांसा या आर्या स्टार्क का नाम लेता है तो उसको देखकर शक्लें ना बनाएं, ना नाक मुंह ना चढ़ाएं, आराम से उसको बैठाएं और मार्वल कॉमिक यूनिवर्स और गेम ऑफ थ्रोन्स के बीच के डिफरेंसेस उसको समझाएं। नंबर थ्री, एंटमैन थानोस के अंदर किस तरह से घुसकर उसको खत्म करेगा, इस तरह की बातें खत्म कर दें। अब तो डायरेक्टर्स ने भी बता दिया है कि अगर एंटमैन ऐसा कुछ करता है तो इससे उसकी जान को खतरा है, और इतने सारे एवेंजर्स खोने के बाद भाई मैं तो नहीं चाहती कि एंटमैन में मरे। नंबर फाइव, कैप्टन मार्वल से ज्यादा उम्मीदें ना रखें, क्योंकि ज्यादा उम्मीदें हमारे खुद के लिए हानिकारक होती हैं। हाँ, मालूम है कि कैप्टन मार्वल एक वुमेन एम्पावरमेंट की मशाल लेकर चल रही है, लेकिन इससे पहले जब विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज आए थे तो क्या हुआ था? हमने सोचा था ये तो सब कुछ खुद ही कर लेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ, मार्वल ने उनकी पावर्स के ऊपर भी लिमिटेशंस लगा दी, और एंड में छोड़ो उसके बारे में बात ही नहीं करते, कितना दुख हुआ था पता है ना। तो अगर ऐसी उम्मीदें हम कैप्टन मार्वल से रखेंगे और कुछ नहीं हुआ एंड में तो क्या होगा, हमारा खुद का दिल दुखेगा, इसलिए बेहतर है कि एक्सपेक्टेशंस ना लगाई जाए। लेकिन हाँ, फिर भी अगर कैप्टन मार्वल ऐसा कुछ कर देती हैं तो फिर तो बल्ले ही बल्ले हो जानी है। खैर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में घुसा लीजिए, लोकी की मौत का जिक्र नहीं करना है, ये बहुत ही अपशगुन है। और अगर आप लोकी के बारे में बात कर रहे हैं तो टिश्यू ले जाना ना भूले, बिल्कुल। और 2012 में जो कुछ हुआ उसके लिए लोकी को लेकर कुछ बुरा अपने दिमाग में मत डालिए, क्योंकि जो कुछ उस वक्त हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रैपर में रखे हुए उस दिमागी स्टोन की वजह से उनके दिमाग पर असर हो गया था, और जो कुछ उन्होंने किया उसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से था। तो लोकी एक बहुत अच्छे इंसान है और उनके लिए सिर्फ अपने जहन में अच्छी बातें ही लाएं। लास्ट बात और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक टिकट बुक नहीं किया है सिर्फ ये सोच करके आपका दोस्त कर देगा, तो प्लीज़ जाइए और खुद टिकट बुक करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका दोस्त आपके भरोसे हो और आप अपने दोस्त के भरोसे हो, और इस भरोसे भरोसे के चक्कर में आपका टिकट ही बुक ना हो और आप फिल्म ही ना देख पाए। हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप फिल्म ना देख पाओ, इसलिए अभी जाइए और टिकट बुक कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्री बुकिंग्स हो चुकी हैं। आगे चलते हैं, वो कौन सी बातें हैं जो आपको फिल्म देखते वक्त याद रखनी जरूरी है।
सबसे पहली बात, स्टैनली जैसे ही स्क्रीन पर नजर आएंगे आप शांति से बैठकर उनको नमन देंगे, और जो इंसान ऐसा नहीं करता उसे तभी के तभी थिएटर से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर टू, अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनको ये फिल्म समझ नहीं आती है तो खुदारा प्लीज उनको घर पर ही छोड़ कर जाएं, उनको थिएटर में ना लेकर जाएं, क्योंकि उनकी वजह से और लोगों की भी फिल्में खराब होती हैं। और अगर आपके बच्चे रोते हैं, आपके चुप कराने पर भी चुप नहीं होते हैं और ज्यादा रोते जाते हैं, तो प्लीज फिर तो उनको बिल्कुल ही घर छोड़कर जाइए और उनको थिएटर में ले जाने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाइए, क्योंकि वहां जाकर आपके बच्चे तो रोएंगे रोएंगे लेकिन साथ में जो लोग फिल्म देख रहे हैं ना वो भी रोने लग जाएंगे। नंबर फोर, अगर आपने पहले से टिकट बुक कर लिया है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आपकी फिल्म कितने बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो उस हिसाब से घर से निकलिए और पहले ही जाकर थिएटर में बैठ जाइए, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी जाकर बैठ चुके हैं ना वो आपका सर देखने नहीं आए वहां पर, वो आप अपनी मूवी खराब नहीं करना चाहते आपकी वजह से। इसीलिए जाइए टाइम से, जाकर बैठ जाइए और मूवी देखिए, आप भी इंजॉय करेंगे और लोग भी इंजॉय करेंगे। और अगर फिल्म के बीच में कोई सवाल आपके दिमाग में आता है तो उसे वहीं रहने दीजिए, खुसर पुसर कर और लोगों का टाइम बर्बाद ना करें और लोगों की मूवी का एंजॉयमेंट खराब ना करें। अपना फोन साइलेंट पर रखें और फोन से तभी किसी को फोन मिलाएं अगर स्नैप बजने पर आपके बराबर में जो इंसान बैठा है वो हवा में गायब हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ तभी आपको इजाजत है फोन यूज करने की, नहीं तो फोन अपने घर पर ही छोड़कर जाए तो अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके बराबर में बैठा हुआ इंसान मूवी देखते वक्त आपके नाखून मार दे, आपका चश्मा तोड़ दे, आपके ऊपर पेप्सी गिरा दे या आपके पॉपकॉर्न खाने लगे, तो प्लीज उसको जज मत करिएगा, उसको लेकर अपने दिमाग में कुछ गलत मत सोचिएगा, क्योंकि बेशक उसका शरीर आपको दिख रहा है लेकिन उसका दिमाग मिड गॉड के कब्जे में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो चलिए नेक्स्ट बात पर चलते हैं, अगर आप फिल्म में कोई डायलॉग भूल जाते हैं तो प्लीज किसी और से वो डायलॉग ना पूछें, क्योंकि अगर आप वो डायलॉग पूछेंगे वो आपको वो डायलॉग बताएगा, इसके चक्कर में आपका एक और डायलॉग जाएगा, उस डायलॉग को जाने के चक्कर में और डायलॉग जाएगा, और इस तरह करते करते आपकी पूरी फिल्म तो चली ही जाएगी लेकिन और जो लोग देख रहे हैं उनकी फिल्म में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर कुछ मतलब मिस हो जाता है तो उसको वहीं छोड़ दें, फिल्म खत्म होने के बाद पूछ लें या फिर फिल्म दोबारा देख लें, दोबारा तो देखी जा सकती है ऑब्वियसली। और साथ ही अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो पूरी तरह से तैयार होकर जाएं, और यही है हमारा लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है, दवाइयां लेकर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि फिल्म की किसी सीन की वजह से आपका बीपी बढ़ जाए या बीपी लो हो जाए या आपको हार्ट अटैक आ जाए, तो आपके हार्ट अटैक की वजह से क्या किसी और की फिल्म आप खराब करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए पहले से तैयार होकर जाइए और अपनी सारी दवाइयां लेकर जाइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन साथ ही ये चीज भी अपने जहन में रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पर्दे पर हो रहा है, असल में ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी बहुत अलग है, तो उन सब चीजों का अपने दिमाग पर ज्यादा असर ना होने दें। तो ये थी कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है फिल्म देखते वक्त। अब फिल्म देखने के बाद क्या बातें आपको याद रखनी बेहद जरूरी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर वन, फिल्म देख ली, बहुत अच्छी बात। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, बहुत अच्छी बात। फर्स्ट डे सेकंड शो देखा, और भी अच्छी बात। थर्ड शो देखा, वो भी अच्छी बात। देख ली ना, अब शांत रहो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अलग हो रहा होता है, लाइक उन्होंने बुकिंग की है बट वो बाद की टिकट मिली, या फिर उनका स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, घर में कोई बीमार है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, इंसान नहीं देखने जा पाता। तो उनके स्पेस को रिस्पेक्ट करें और स्पॉयलर्स ना दें। स्पॉयलर्स क्या क्या हो सकते हैं मैं बताती हूँ। फिल्म के किसी भी सीन को लेकर डिस्कस ना करें, कुछ भी बात ना ही करें। फिल्म में कोई मर गया है मत बताइए, मरकर जिंदा हो गया है मत बताइए, मरा हुआ है मत बताइए, कोई नया कैरेक्टर आ गया है मत बताइए, कोई नया सीन है मत बताइए। और अगर ट्रेलर से रिलेटेड सीन भी आप कुछ देख रहे हैं या ट्रेलर में जैसा दिखाया गया है वैसा कुछ मूवी में हो ही नहीं रहा है तो भी मत बताइए, ये सब कुछ स्पॉइलर में आता है और इंसान का मजा खराब हो जाता है, क्योंकि सब बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं ना, तो क्यों खराब करना है किसी की। साथ ही अगर आपके बराबर में कोई इंसान बैठा है जिसने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस सीन को सोचकर सांसें भी ना लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिल की धड़कन, आपकी सांसें उस इंसान को उस फिल्म के बारे में कुछ हिंट दे दे, या आपका दोस्त जो आपके बराबर में बैठा है वो आपका माइंड रीड कर ले, क्या पता उसके पास ये सुपर पावर हो, वो आपको समझता हो इतने ज्यादा डीपली कि आप क्या सोच रहे हैं वो उसको पता चल जाए, उसकी तो फिल्म खराब हो जाएगी ना, फिर क्या करेंगे आप, उसका तो मूड खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई प्लीज बता दे क्या हुआ फिल्म में, तब भी मत बताइए, क्योंकि हो सकता है कि आपका दोस्त तो तैयार हो लेकिन जिस वक्त आप उसको बता रहे हैं उस वक्त कोई और इंसान वहां से गुजर कर जा रहा है, उस इंसान ने सुन लिया तो उसकी तो फिल्म हो गई ना खराब। इसीलिए
मत बताइए। और जो लोग मीम्स बनाते हैं, एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मीम्स मत बनाना। मतलब अभी अभी गेम ऑफ थ्रोन सीजन 8 का फर्स्ट पार्ट आया है, फर्स्ट एपिसोड, एंड आई वाज सो वरीड, क्योंकि मैं सुबह में नहीं देख पाई थी और रात में देखा था। पूरे दिन फेसबुक खोलने में इतना डर लग रहा था कि कुछ खोलूंगी मीम आ जाएगा, मेरे को स्पॉइलर मिल जाएगा। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस ने बहुत अच्छे से, बहुत कामली काम लिया और उन्होंने कोई मीम नहीं शेयर किया। मतलब जब तक लोगों ने, काफी मेजर लोगों ने नहीं देख लिया था, तब तक उन लोगों ने कोई मीम नहीं बताया। तो ऐसे ही आप सीखिए गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस से, और कोई इस तरह का मीम बनाकर मत शेयर कीजिए कि जिससे लोगों को स्पॉइलर मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट पॉइंट, थानोस की कोई तारीफ नहीं करेगा, थानोस की कोई बड़ाई नहीं करेगा, और जो इंसान ऐसा करता है उसको एंटी एवेंजर्स घोषित किया जा सकता है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको जहन में रखनी है मूवी देखने से पहले, देखने के बाद और देखते वक्त। उम्मीद करते हैं कि फिल्म आपको पसंद आएगी और हम बाद में मिलकर इस फिल्म को बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, मज़े लेंगे और इस पूरी जर्नी को एक अच्छे तरह से बैठकर सोचेंगे कि क्या हुआ इस फिल्म में। देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को, इसी तरह हम और भी वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। एवेंजर्स एंडगेम को सबसे बड़ी सीरीज क्यों कहा जा रहा है? भारत में फिल्म का टिकट कितने रुपए में बिक रहा है? एवेंजर्स का पहला भाग विश्व की टॉप 10 फिल्मों में कितने नंबर पर था? एवेंजर्स एंडगेम के क्लाइमेक्स को लेकर डायरेक्टर क्यों है परेशान? स्टार वॉर्स का रिकॉर्ड एवेंजर्स एंडगेम ने कैसे तोड़ दिया? एवेंजर्स एंडगेम भारत में कितनी भाषाओं में रिलीज की जा रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मशहूर हॉलीवुड सीरीज एवेंजर्स एंड गेम भारत में 26 अप्रैल को रिलीज हो रही है और रिलीज से पहले ही फिल्म ने तहलका मचा दिया है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग कल से शुरू हुई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, फिल्म के सारे शो हाउसफुल थे। इतना ही नहीं, फिल्म की टिकट की ऐसी डिमांड थी कि सारे ऐप और वेबसाइट तक क्रैश हो गए। फिल्म के लिए दर्शकों का उत्साह इतना है कि फिल्म के टिकट 2200 रुपए तक के बिक रहे हैं। इससे पहले सबसे महंगे टिकट ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बिके थे, जिनकी कीमत 400 से 1600 रुपए तक थी। गौरतलब है कि एवेंजर्स की आखिरी फिल्म को भी दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। आपको बता दें कि एवेंजर्स मार्वल यूनिवर्स के सुपर हीरो की एक सीरीज है, जिसमें कुल 21 फिल्में हैं। ये सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाने वाली सीरीज है। इस सीरीज की शुरुआत हुई थी आयरन मैन के साथ, इसके बाद हल्क, कैप्टन अमेरिका के साथ कहानियां और सुपर हीरो बढ़े, जिसके बाद पहली एवेंजर्स फिल्म बनी जहां सारे सुपर हीरो एक साथ आए। वहीं आपको बता दें कि विश्व की टॉप 10 फिल्मों में छठे नंबर पर हैं एवेंजर्स एंडगेम, जबकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 8वें नंबर पर। पिछली फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की वर्ल्ड वाइड रैंक भी चार रही है। वैसे आपको बता दें कि इस बार फिल्म को बनाते समय डायरेक्टर की सबसे बड़ी चिंता थी कि कहीं क्लाइमैक्स ना लीक हो जाए, और इसीलिए फिल्म के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 क्लाइमैक्स शूट किए गए, जिनमें से केवल एक ही फिल्म का हिस्सा होने वाला है। गौरतलब है कि रिलीज से पहले ही फिल्म के कुछ भाग लीक हो चुके हैं, जिसके बाद फिल्म से जुड़ी टीम ने फैंस से गुजारिश की थी कि अपनी इन फेवरेट सीरीज को अच्छे से विदा करें और थिएटर में जाकर ही फिल्म को देखें। तो आप कितना एक्साइटेड हैं, अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के फिल्मों का क्रेज भी हमारे बॉलीवुड में अब बहुत देखने को मिलता है, और एवेंजर्स की सीरीज के डाई हार्ड फैन तो हर घर में मिलते हैं। उन फैंस में से एक मैं भी हूँ।
तो आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को और इंडिया में 3 मई को रिलीज हो रही है सभी एवेंजर्स का तोड़ यानी कि एंड गेम। तो मार्वल्स में अब तक का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हाइप हो रहा है वो है कैरेक्टर थैनोस का। एमसीयू में अभी तक टोटल जितनी भी मूवीज आई हैं वो लीड करती हैं थैनोस की तरफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या थैनोस को मार पाएंगे एवेंजर्स? थैनोस मरेगा या नहीं, और मरेगा तो कौन मारेगा? कि क्या ये होगा कि सारे एवेंजर्स मर जाएंगे थॉर को छोड़ के? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। एमसीयू के जो एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिला उस पर बात करते हैं। वैसे तो उस फिल्म में कुछ भी हो सकता है जो आने वाली है, लेकिन जानते हैं कि एवेंजर्स और थैनोस के बीच क्या हुआ था एनिमेटेड सीरीज में। तो जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थैनोस सभी को हराकर सारे इन्फिनिटी गॉन्गलेंट अपने हाथ में ले लेता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है। आगे एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है जितने भी एवेंजर्स है धरती पे रह जाते हैं वो सारे थैनोस पर सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थैनोस फिर से वहाँ बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। धरती को बचाने के लिए सारे एवेंजर्स एक साथ थैनोस पे हमला करते हैं, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। फिर ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस को रोकना उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि स्टोन्स थैनोस के पास उनकी वजह से है, और फिर वो इनविजिबल होके थैनोस पे अटैक करती हैं और नाकामयाब रहती हैं। ब्लैक विडो और हल्क की कहानी तो सबको मालूम है। हल्क गुस्से में आ जाती हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं थैनोस पर उसका कोई असर नहीं होता और फिर से वो धरती पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन के पास एक आइडिया आता है और कहते हैं कि अगर थैनोस अपने स्टोन्स को अलग अलग यूज करे तो वो उसे संभाल लेंगे और एंड में उसे मार देंगे। तो सभी एक के बाद एवेंजर्स उन पे अटैक करते हैं जिनमें कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, फाल्कन, आयरन मैन, हल्क और थॉर शामिल होते हैं और उन पे लगातार अटैक करते हैं। थैनोस को काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एस गार्जियन से है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद तुरंत थैनोस टाइम स्टोन को रिवर्स कर देता है जिससे सारे एवेंजर्स फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। जब सारे एवेंजर्स जिंदा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां आयरन मैन सबको बताता है कि थैनोस माइंड स्टोन का यूज कर रहा है। उसके बाद हल्क बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो बल्कि थैनोस की तरफ टारगेट करो। थैनोस पे हल्क अटैक करता है और वो फिर से बच जाता है, लेकिन हल्क का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता है। वो एक बार फिर से थैनोस पर हमला करता है, मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे एवेंजर्स धावा बोल देते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है थैनोस को कि वो हार रहा है तो स्पेस स्टोन का यूज करके टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सारे एवेंजर्स पे एक एक करके हमला करने लगता है, लेकिन हॉकाई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले फिल्म में देखी होगी कि जैसे ही पीछे से कोई हमला करता है ब्लैक विडो पे या हॉकाई पे तो वो उस पे हमला नहीं कर पाते क्योंकि हमला करने से पहले हॉकाई को और विडो को पता चल जाता है कि हाँ पीछे कोई है और हमला करने वाला है। पैटर्न का पता चल जाता है और वो थैनोस के अटैक करने से पहले उस पे अटैक करके उसे गिरा देता है और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा उस पर रख देता है और आयरन मैन गॉन्गलेट निकाल लेता है। थैनोस को पकड़कर शील्ड के हेडक्वार्टर लाया जाता है जहां निक को लगता है अब सब ठीक हो गया, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, रेड स्कल अभी भी आजाद घूम रहा है। निक फ्यूरी उसको रिकरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रेड स्कल ने सरेंडर कर लिया है। इस बात पर कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थैनोस पर अटैक कर देते हैं और बताते हैं कि थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा सब कुछ कर रहा है, वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख रहे हैं। उसके बाद फिर सारे मिलकर थैनोस पर हमला करने लगते हैं जिससे रियलिटी स्टोन टूट जाता है और सारे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से ये वॉर या जहां से ये फाइट शुरू हुई थी। आने के बाद थैनोस सब पे अपने अपने स्टोन्स यूज करता है और अटैक करता है जिसमें आयरन मैन मर जाता है, पर जैसे ही वो हेलमेट खोल के देखता है तो पता चलता है कि शूट के अंदर टोनी है ही नहीं। टोनी रिमोट के जरिए शूट को चला रहा था। फिर टोनी बोलता है कि उसको सारे स्टोन्स की रीडिंग मिल गई है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट अर्जनेल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट अर्जनेल एक रोबोट रहता है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्व कर सकता है। थैनोस को और गुस्सा आता है और टोनी के पूरे ऑफिस को स्पेस में ले आता है और उसी टाइम वहां अर्जनेल भी आ जाता है। वो थैनोस की तरफ बढ़ता है।
थैनोस एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पे अटैक करता है, लेकिन अर्जेनिल उसके सारे पावर्स को एब्जॉर्ब करते ही जाता है। आगे बढ़ के वो गोंगलिंग निकाल लेता है। फिर क्या, सारे एवेंजर्स एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं और थैनोस हार जाता है, उसे गार्डियंस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एनिमेटेड सीरीज की कहानी थी जो हमने देखी थी, लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और ना ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो रोबोट है अर्जेनाइल है वो कैप्टन मार्वल हो एंड गेम में। अब ये तो रियलिटी क्या है 26 को पता चलेगी या फिर 3 को। हमें आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे पहले कमांडो 3 आ चुकी है और जंगली भी आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू। दोस्तों, बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के फिल्मों का क्रेज भी हमारे बॉलीवुड में अब बहुत देखने को मिलता है और एवेंजर्स की सीरीज के डाई हार्ड फैन तो हर घर में मिलते हैं। उन फैंस में से एक मैं भी हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को और इंडिया में 3 मई को रिलीज हो रही है सभी एवेंजर्स का तोड़, यानी कि एंड गेम। तो मार्वल्स में अब तक का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हाइप हो रहा है वो है कैरेक्टर थैनोस का। एमसीयू में अभी तक टोटल जितनी भी मूवीज आई हैं, वो लीड करती हैं थैनोस की तरफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या थैनोस को मार पाएंगे एवेंजर्स? थैनोस मरेगा या नहीं, और मरेगा तो कौन मारेगा? कि क्या ये होगा कि सारे एवेंजर्स मर जाएंगे थॉर को छोड़ के? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। एमसीयू के जो एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिला उस पर बात करते हैं। वैसे तो उस फिल्म में कुछ भी हो सकता है जो आने वाली है, लेकिन जानते हैं कि एवेंजर्स और थैनोस के बीच क्या हुआ था एनिमेटेड सीरीज में। तो जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थैनोस सभी को हरा कर सारे इन्फिनिटी गॉन्गलेंट अपने हाथ में ले लेता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है। आगे एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है जितने भी एवेंजर्स है धरती पे रह जाते हैं वो सारे थैनोस पर सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थैनोस फिर से वहाँ बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। धरती को बचाने के लिए सारे एवेंजर्स एक साथ थैनोस पे हमला करते हैं, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। फिर ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस को रोकना उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि स्टोन्स थैनोस के पास उनकी वजह से है, और फिर वो इनविजिबल होके थैनोस पे अटैक करती हैं और नाकामयाब रहती हैं। ब्लैक विडो और हल्क की कहानी तो सबको मालूम है। हल्क गुस्से में आ जाते हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं थैनोस पर उसका कोई असर नहीं होता और फिर से वो धरती पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन के पास एक आइडिया आता है और कहते हैं कि अगर थैनोस अपने स्टोन्स को अलग अलग यूज करे तो वो उसे संभाल लेंगे और एंड में उसे मार देंगे। तो सभी एक के बाद एवेंजर्स उन पे अटैक करते हैं, जिनमें कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, फाल्कन, आयरन मैन, हल्क और थॉर शामिल होते हैं और उन पे लगातार अटैक करते हैं। थैनोस को काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एस्गार्डियन से है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद तुरंत थैनोस टाइम स्टोन को रिवर्स कर देता है जिससे सारे एवेंजर्स फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। जब सारे एवेंजर्स जिंदा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां आयरन मैन सबको बताता है कि थैनोस माइंड स्टोन का यूज कर रहा है। उसके बाद हल्क बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो बल्कि थैनोस की तरफ टारगेट करो। थैनोस पे हल्क अटैक करता है और वो फिर से बच जाता है, लेकिन हल्क का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता है। वो एक बार फिर से थैनोस पर हमला करता है, मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे एवेंजर्स धावा बोल देते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है थैनोस को कि वो हार रहा है, तो स्पेस स्टोन का यूज करके टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सारे एवेंजर्स पे एक एक करके हमला करने लगता है, लेकिन हॉकाई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले फिल्म में देखी होगी कि जैसे ही पीछे से कोई हमला करता है ब्लैक विडो पे या हॉकाई पे, तो वो उस पे हमला नहीं कर पाते क्योंकि हमला करने से पहले हॉकाई को और विडो को पता चल जाता है कि हाँ, पीछे कोई है और हमला करने वाला है। पैटर्न का पता चल जाता है और वो थैनोस के
अटैक करने से पहले उस पर अटैक करके उसे गिरा देता है और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा उस पर रख देता है और आयरन मैन गॉन्गलेट निकाल लेता है। थैनोस को पकड़कर शील्ड के हेडक्वार्टर लाया जाता है जहां निक को लगता है अब सब ठीक हो गया, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, रेड स्कल अभी भी आजाद घूम रहा है। निक फ्यूरी उसको रिकरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रेड स्कल ने सरेंडर कर लिया है। इस बात पर कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थैनोस पर अटैक कर देते हैं और बताता है कि थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा सब कुछ कर रहा है, वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख रहे हैं। उसके बाद फिर सारे मिलकर थैनोस पर हमला करने लगते हैं जिससे रियलिटी स्टोन टूट जाता है और सारे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से ये वॉर या जहां से ये फाइट शुरू हुई थी। आने के बाद थैनोस सब पे अपने अपने स्टोन्स यूज करता है और अटैक करता है जिसमें आयरन मैन मर जाता है। पर जैसे ही वो हेलमेट खोल के देखता है तो पता चलता है कि शूट के अंदर टोनी है ही नहीं, टोनी रिमोट के जरिए शूट को चला रहा था। फिर टोनी बोलता है कि उसको सारे स्टोन्स की रीडिंग मिल गई है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट अर्जनेल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट अर्जनेल एक रोबोट रहता है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्व कर सकता है। थैनोस को और गुस्सा आता है और टोनी के पूरे ऑफिस को स्पेस में ले आता है और उसी टाइम वहाँ अर्जनेल भी आ जाता है। वो थैनोस की तरफ बढ़ता है, थैनोस एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पे अटैक करता है लेकिन अर्जनेल उसके सारे पावर्स को एब्जॉर्व करते ही जाता है। आगे बढ़ के वो गॉन्गलेट निकाल लेता है। फिर क्या, सारे एवेंजर्स एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं और थैनोस हार जाता है, उसे गार्डियंस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये एनिमेटेड सीरीज की कहानी थी जो हमने देखी थी, लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और ना ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो रोबोट है अर्जनाइल है वो कैप्टन मार्वल हो एंड गेम में। अब ये तो रियलिटी क्या है 26 को पता चलेगी या फिर 3 को हमें। आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे पहले कमांडो 3 आ चुकी है और जंगली भी आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू। दोस्तों बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के फिल्मों का क्रेज भी हमारे बॉलीवुड में अब बहुत देखने को मिलता है और एवेंजर्स की सीरीज के डाई हार्ड फैन तो हर घर में मिलते हैं, उन फैंस में से एक मैं भी हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को और इंडिया में 3 मई को रिलीज हो रही है सभी एवेंजर्स का तोड़ यानी कि एंड गेम। तो मार्वल्स में अब तक का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हाइप हो रहा है वो है कैरेक्टर थैनोस का। एमसीयू में अभी तक टोटल जितनी भी मूवीज आई हैं वो लीड करती हैं थैनोस की तरफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या थैनोस को मार पाएंगे एवेंजर्स? थैनोस मरेगा या नहीं, और मरेगा तो कौन मारेगा? कि क्या ये होगा कि सारे एवेंजर्स मर जाएंगे थॉर को छोड़ के? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों आपके मन में फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। एमसीयू के जो एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिला उस पर बात करते हैं। वैसे तो उस फिल्म में कुछ भी हो सकता है जो आने वाली है, लेकिन जानते हैं कि एवेंजर्स और थैनोस के बीच क्या हुआ था एनिमेटेड सीरीज में। तो जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थैनोस सभी को हरा कर सारे इन्फिनिटी गॉन्गलेट अपने हाथ में ले लेता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है। आगे एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है जितने भी एवेंजर्स है धरती पे रह जाते हैं वो सारे थैनोस पर सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थैनोस फिर से वहाँ बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। धरती को बचाने के लिए सारे एवेंजर्स एक साथ थैनोस पे हमला करते हैं लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। फिर ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस को रोकना उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि स्टोन्स थैनोस के पास उनकी वजह से है, और फिर वो इनविजिबल होके थैनोस पे अटैक करती हैं और नाकामयाब रहती हैं। ब्लैक विडो और हल्क की कहानी तो सबको मालूम है, हल्क गुस्से में आ जाते हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं थैनोस पर उसका कोई असर नहीं होता और फिर से वो धरती पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन के पास एक आइडिया आता है और कहते हैं कि अगर थैनोस अपने स्टोन्स को अलग अलग यूज करे तो वो उसे संभाल लेंगे और एंड में उसे मार देंगे। तो सभी एक के बाद एवेंजर्स उन पे अटैक करते हैं जिनमें कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, फाल्कन, आयरन मैन, हल्क और थॉर शामिल होते हैं और उन पे लगातार अटैक करते हैं। थैनोस को काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि
वो एस्गार्डियन से है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद तुरंत थैनोस टाइम स्टोन को रिवर्स कर देता है जिससे सारे एवेंजर्स फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। जब सारे एवेंजर्स जिंदा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां आयरन मैन सबको बताता है कि थैनोस माइंड स्टोन का यूज कर रहा है। उसके बाद हल्क बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो बल्कि थैनोस की तरफ टारगेट करो। थैनोस पे हल्क अटैक करता है और वो फिर से बच जाता है, लेकिन हल्क का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता है। वो एक बार फिर से थैनोस पर हमला करता है, मुक्को की बरसात कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे एवेंजर्स धावा बोल देते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है थैनोस को कि वो हार रहा है, तो स्पेस स्टोन का यूज करके टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सारे एवेंजर्स पे एक एक करके हमला करने लगता है, लेकिन हॉकआई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले फिल्म में देखी होगी कि जैसे ही पीछे से कोई हमला करता है ब्लैक विडो पे या हॉकआई पे, तो वो उस पे हमला नहीं कर पाते क्योंकि हमला करने से पहले हॉकआई को और विडो को पता चल जाता है कि हाँ, पीछे कोई है और हमला करने वाला है। पैटर्न का पता चल जाता है और वो थैनोस के अटैक करने से पहले उस पे अटैक करके उसे गिरा देता है, और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा उस पर रख देता है और आयरन मैन गॉन्गलेट निकाल लेता है। थैनोस को पकड़कर शील्ड के हेडक्वार्टर लाया जाता है, जहां निक को लगता है अब सब ठीक हो गया, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, रेड स्कल अभी भी आजाद घूम रहा है। निक फ्यूरी उसको रिकरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रेड स्कल ने सरेंडर कर लिया है। इस बात पर कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थैनोस पर अटैक कर देते हैं और बताते हैं कि थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा सब कुछ कर रहा है, वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख रहे हैं। उसके बाद फिर सारे मिलकर थैनोस पर हमला करने लगते हैं जिससे रियलिटी स्टोन टूट जाता है और सारे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से ये वॉर या जहां से ये फाइट शुरू हुई थी। आने के बाद थैनोस सब पे अपने अपने स्टोन्स यूज करता है और अटैक करता है, जिसमें आयरन मैन मर जाता है। पर जैसे ही वो हेलमेट खोल के देखता है तो पता चलता है कि शूट के अंदर टोनी है ही नहीं। टोनी रिमोट के जरिए शूट को चला रहा था। फिर टोनी बोलता है कि उसको सारे स्टोन्स की रीडिंग मिल गई है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट अर्जनेल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट अर्जनेल एक रोबोट रहता है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्व कर सकता है। थैनोस को और गुस्सा आता है और टोनी के पूरे ऑफिस को स्पेस में ले आता है, और उसी टाइम वहाँ अर्जनेल भी आ जाता है। वो थैनोस की तरफ बढ़ता है। थैनोस एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पे अटैक करता है, लेकिन अर्जनेल उसके सारे पावर्स को एब्जॉर्व करते ही जाता है। आगे बढ़ के वो गॉन्गलेट निकाल लेता है। फिर क्या, सारे एवेंजर्स एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं और थैनोस हार जाता है, उसे गार्डियंस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एनिमेटेड सीरीज की कहानी थी जो हमने देखी थी, लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और ना ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो रोबोट है अर्जनाइल है वो कैप्टन मार्वल हो एंड गेम में। अब ये तो रियलिटी क्या है 26 को पता चलेगी या फिर 3 को। हमें आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे पहले कमांडो 3 आ चुकी है और जंगली भी आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू। दोस्तों, बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के फिल्मों का क्रेज भी हमारे बॉलीवुड में अब बहुत देखने को मिलता है और एवेंजर्स की सीरीज के डाई हार्ड फैन तो हर घर में मिलते हैं। उन फैंस में से एक मैं भी हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 26 अप्रैल को और इंडिया में 3 मई को रिलीज हो रही है सभी एवेंजर्स का तोड़, यानी कि एंड गेम। तो मार्वल्स में अब तक का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर हाइप हो रहा है वो है कैरेक्टर थैनोस का। एमसीयू में अभी तक टोटल जितनी भी मूवीज आई हैं, वो लीड करती हैं थैनोस की तरफ। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या थैनोस को मार पाएंगे एवेंजर्स? थैनोस मरेगा या नहीं, और मरेगा तो कौन मारेगा? कि क्या ये होगा कि सारे एवेंजर्स मर जाएंगे थॉर को छोड़ के? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में फिल्म से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। एमसीयू के जो एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिला उस पर बात करते हैं। वैसे तो उस फिल्म में कुछ भी हो सकता है जो आने वाली है, लेकिन जानते हैं कि एवेंजर्स और थैनोस के बीच क्या हुआ था एनिमेटेड सीरीज में।
तो जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थैनोस सभी को हराकर सारे इन्फिनिटी गॉन्गलेंट अपने हाथ में ले लेता है और आधी दुनिया को तबाह कर देता है। आगे एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है जितने भी एवेंजर्स है धरती पे रह जाते हैं वो सारे थैनोस पर सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थैनोस फिर से वहाँ बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। धरती को बचाने के लिए सारे एवेंजर्स एक साथ थैनोस पे हमला करते हैं लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। फिर ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस को रोकना उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि स्टोन्स थैनोस के पास उनकी वजह से है, और फिर वो इनविजिबल होके थैनोस पे अटैक करती हैं और नाकामयाब रहती हैं। ब्लैक विडो और हल्क की कहानी तो सबको मालूम है। हल्क गुस्से में आ जाती हैं और मुक्कों की बरसात कर देते हैं थैनोस पर उसका कोई असर नहीं होता और फिर से वो धरती पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। तभी आयरन मैन के पास एक आइडिया आता है और कहते हैं कि अगर थैनोस अपने स्टोन्स को अलग अलग यूज करे तो वो उसे संभाल लेंगे और एंड में उसे मार देंगे। तो सभी एक के बाद एवेंजर्स उन पे अटैक करते हैं जिनमें कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, फाल्कन, आयरन मैन, हल्क और थॉर शामिल होते हैं और उन पे लगातार अटैक करते हैं। थैनोस को काफी गुस्सा आता है और फिर थैनोस एक एक करके सारे स्टोन्स का यूज करता है। पहले टाइम स्टोन्स का यूज करता है जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मर जाते हैं। उसके बाद थॉर आता है और हमला कर देता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो एस गार्जियन से है इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल हो जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से हमला करता है। टाइम स्टोन टूट जाता है जिससे थैनोस को भी फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद तुरंत थैनोस टाइम स्टोन को रिवर्स कर देता है जिससे सारे एवेंजर्स फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। जब सारे एवेंजर्स जिंदा हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां आयरन मैन सबको बताता है कि थैनोस माइंड स्टोन का यूज कर रहा है। उसके बाद हल्क बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो बल्कि थैनोस की तरफ टारगेट करो। थैनोस पे हल्क अटैक करता है और वो फिर से बच जाता है लेकिन हल्क का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता है। वो एक बार फिर से थैनोस पर हमला करता है, मुक्कों की बरसात कर देता है। फिर धीरे धीरे सारे एवेंजर्स धावा बोल देते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है थैनोस को कि वो हार रहा है तो स्पेस स्टोन का यूज करके टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सारे एवेंजर्स पे एक एक करके हमला करने लगता है लेकिन हॉकाई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है। दोस्तों जैसा कि आपने पहले फिल्म में देखी होगी कि जैसे ही पीछे से कोई हमला करता है ब्लैक विडो पे या हॉकाई पे तो वो उस पे हमला नहीं कर पाते क्योंकि हमला करने से पहले हॉकाई को और विडो को पता चल जाता है कि हाँ पीछे कोई है और हमला करने वाला है। पैटर्न का पता चल जाता है और वो थैनोस के अटैक करने से पहले उस पे अटैक करके उसे गिरा देता है और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा उस पर रख देता है और आयरन मैन गॉन्गलेट निकाल लेता है। थैनोस को पकड़कर शील्ड के हेडक्वार्टर लाया जाता है जहां निक को लगता है अब सब ठीक हो गया, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं, रेड स्कल अभी भी आजाद घूम रहा है। निक फ्यूरी उसको रिकरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रेड स्कल ने सरेंडर कर लिया है। इस बात पर कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थैनोस पर अटैक कर देते हैं और बताते हैं कि थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा सब कुछ कर रहा है, वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख रहे हैं। उसके बाद फिर सारे मिलकर थैनोस पर हमला करने लगते हैं जिससे रियलिटी स्टोन टूट जाता है और सारे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से ये वॉर या जहां से ये फाइट शुरू हुई थी। आने के बाद थैनोस सब पे अपने अपने स्टोन्स यूज करता है और अटैक करता है जिसमें आयरन मैन मर जाता है, पर जैसे ही वो हेलमेट खोल के देखता है तो पता चलता है कि शूट के अंदर टोनी है ही नहीं। टोनी रिमोट के जरिए शूट को चला रहा था। फिर टोनी बोलता है कि उसको सारे स्टोन्स की रीडिंग मिल गई है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट अर्जनेल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट अर्जनेल एक रोबोट रहता है जो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्व कर सकता है। थैनोस को और गुस्सा आता है और टोनी के पूरे ऑफिस को स्पेस में ले आता है और उसी टाइम वहाँ अर्जनेल भी आ जाता है। वो थैनोस की तरफ बढ़ता है। थैनोस एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पे अटैक करता है लेकिन अर्जनेल उसके सारे पावर्स को एब्जॉर्व करते ही जाता है। आगे बढ़ के वो गॉन्गलेंट निकाल लेता है। फिर क्या, सारे एवेंजर्स एक साथ मिलके उस पे हमला करते हैं और थैनोस हार जाता है, उसे गार्डियंस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये एनिमेटेड सीरीज की कहानी थी जो हमने देखी थी लेकिन इसमें कैप्टन मार्वल का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और ना ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो रोबोट है अर्जनाइल है वो कैप्टन मार्वल हो एंड गेम में। अब ये तो रियलिटी क्या है 26 को पता चलेगी या फिर 3 को। हमें आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे पहले कमांडो 3 आ चुकी है और जंगली भी आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू।
ब्लैक के नाम से। कॉमिक बुक में इन ब्लैक के टीम में शामिल है 5 मेंबर। कॉमिक में थैनोस इन सबको भेजता है अलग अलग जगह पर जेम्स लाने के लिए, और ट्रेलर में भी हमें यही देखने को मिला। हम देखते हैं कि दो लोग विजन के माइंड से उसका स्टोन निकाल रहे हैं, और वोंडा को यहां देख के लग रहा है कि वो विजन को बचाने के लिए आई है, और कैप्टन अमेरिका को देख के खुश हो जाती है। आगे देखते हैं कि लोकी थैनोस को टेसरेक्ट क्यूब देता है। अब ये देख के कहा जा सकता है कि लोकी ने फिर से टीम बदल ली है, क्योंकि पहले पार्ट में एवेंजर में थैनोस ने उसे टेसरे लाने का काम लिया होता है। लेकिन एक और रीजन हो सकता है कि क्या पता वो मजबूरी में दे रहा हो। बात करें इन्फिनिटी स्टोन्स की, तो थैनोस के पास अभी तक हमें सिर्फ 2 स्टोन्स दिखाई दिए, जिसमें से पहला स्टोन है ब्लू कलर का, जिसे कहा जाता है स्पेस स्टोन, जो कि निकला है टेसरे क्यूब से, और दूसरा है पावर स्टोन। अब ये इसको कैसे मिला ये तो किसी को नहीं पता, और ना ही ट्रेलर में दिखाया गया है। लेकिन जैसा कि हमने गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में देखा था कि ये स्टोन नोवा के पास जमा था, तो शायद नोवा को हरा के थैनोस ने उनसे लिया हो। बात करें बाकी की स्टोन्स की, तो रियलिटी स्टोन वो है कलेक्टर के पास, टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, जो कि अभी भी हम उनके पास देख सकते हैं। सोल स्टोन, इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन इस स्टोन को ब्लैक पैंथर में देखा गया था, और हम इस ट्रेलर में देखते हैं कि वाकांडा में बहुत बड़ा हमला होता है, और हमें एवेंजर्स की टीम भी वहीं दिखाई देती है। तो कहा जा सकता है कि सभी एवेंजर्स मिलके सोल स्टोन बचाना चाहते हैं। इस ट्रेलर में हमें पहली बार स्पाइडरमैन का आयरन सूट देखने को मिलता है, और ये सूट पहले हम देख चुके हैं सिविल वॉर में, और हमेशा की तरह स्पाइडरमैन फिर गलतियां कर बैठते हैं, और जल्दीबाजी में वो आके थैनोस से भिड़ जाते हैं, और थैनोस उनकी खूब पिटाई करता है। आगे देखते हैं टचाला, यानी कि ब्लैक पैंथर वाकांडा की पावर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे कैप्टन अमेरिका को नई शील्ड देने की बात करते हैं, क्योंकि सिविल वॉर में हम देखते हैं कि वो अपनी शील्ड को स्टार्क के पास ही छोड़ देते हैं। एंड में कैप्टन अमेरिका के हाथ में कुछ देखते हैं, शायद ये पोर्टेबल शील्ड है, जो हमें मार्वल की नई कॉमिक बुक में भी देखने को मिला था। इस सीन में हमें हल्क स्मैशर भी दिखता है, लेकिन इसके अंदर कौन है ये नहीं पता। लास्ट में हमें थॉर दिखता है, जो कि स्पेस से फेंका गया होता है और आके टकराता है गार्जियन से, और जब थॉर उनसे मिलता है तो थोड़ा सरप्राइज होता है। और ये जो सीन है वो है गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के। ये सीन गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के 4 साल के बाद का है। इस सीन में हमें थॉर की आंख पर आई पैच भी दिखता है, जो कि इसने थॉर रैग्नारोक में लगाया था। लेकिन जो इन्फिनिटी वॉर का लीक ट्रेलर आया था, उसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था। तो ये सब बातें थी जो हमें ट्रेलर देखने के बाद लगा। ये सभी लोग सिविल वॉर के बाद कहां छुप गए थे, या फिर उसके बाद क्या क्या हुआ था? तो अभी हाल ही में जनवरी में एक बुक आई थी, जिसका नाम है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर प्रीलूड, जिसमें सिविल वॉर के आगे की कहानी बताई गई है। उस बुक की स्टोरी और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी काफी मिलती जुलती है। ये फिल्म रिलीज हो रही है 4 मई को। फिल्म में म्यूजिक दिया है एलन सिल्वेस्ट्री ने। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं केविन फिग। केविन फिग एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर है और प्रेजिडेंट है मार्वल स्टूडियोज के। फिल्म प्रेजेंटेड बाई मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी वीडियो बनाया जाए जिसमें मार्वल सीरीज की कहानी के बारे में बताएं, उन सुपर हीरोज की बात करें और उनके पावर की, कि उन्हें ये पावर कैसे मिले और आगे क्या होने वाला है, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो अब बारी है कमेंट सेक्शन की। तो सबसे पहला नाम है नीता बोडो। उनका सवाल है कि क्या जॉन अब्राहम की फोर्स 3 बन सकती है। बाय द वे, नाइस वीडियो, शुक्रिया दोस्त कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी। और जॉन अब्राहम की फोर्स 3 के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल्म मेकर्स ने शेयर नहीं की है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है फिल्म मेकर से, तो हम जरूर अपडेट करेंगे। छोटा भट्ट ये फिल्म के कलेक्शन जानना चाहते हैं, और इनके साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिल्म के कलेक्शन जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि टीम एक बहुत जल्द वीडियो अपडेट करने वाली है। उस वीडियो में 2018 में जितनी भी फिल्म रिलीज हुई है उन सभी के कलेक्शन के बारे में बात होंगी। मयंक शर्मा, 1942 से लेकर 1990 तक बताओ, जैसे किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और देवा आनंद, ऑल एक्टर्स राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, इनके मूवीज के बारे में प्रोफाइल। दोस्त, शुक्रिया, आपके इस सजेशन को हम अपने पास रखते हैं। इसके ऊपर हम अपनी टीम से बात करेंगे, और बहुत जल्द उम्मीद है कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अगला कमेंट है भावेश, आई लव यू। मेरा सवाल है कि टाइगर सर की मूवी रैम्बो में एक्ट्रेस कौन होगी। दोस्त, अभी इस बात की इन्फॉर्मेशन फिल्म मेकर्स ने शेयर नहीं की है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम जरूर अपडेट करेंगे। अगला कमेंट है ग्रीन ऑरेंज गेमिंग, और ये सिद्धार्थ मल्होत्रा की सभी फिल्मों के कलेक्शन जानना चाहते हैं। तो उनकी पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसने कलेक्शन किया था 97 करोड़ का। हंसी तो फंसी 62 करोड़, एक विलन 170 करोड़, कपूर एंड सन्स 152 करोड़, इत्तेफाक 51 करोड़। और दोस्तों,